आजकल प्रोजेक्ट भी बदल गए हैं, कॉलेज के स्कूल के वो भी अलग ढंग के बनते हैं, उसमें माइक और ये कैमरा मोबाइल अच्छा क्वालिटी का और ट्राईपॉड की बहुत अच्छी ज़रूरत है। कैमरा मोबाइल अच्छा लेना हो तो सबसे अच्छा फ़िलहाल की डेट में सबसे रीजनेबल सबसे अच्छा जो है वो रियलमी 9 प्रो प्लस है, उसका नाम लिख लीजिए रियलमी RE रियलमी ME रियलमी 9 प्रो प्लस रियलमी 9 प्रो प्लस। ये जो मेरा कैम लिया है मैंने वो वही लिया है, जिसमें खासियत ये है कि जो इसका कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और 50 मेगापिक्सल के कैमरे के जो रेट्स आती हैं वो 70-80 हज़ार रुपये के आते हैं यूजुअली, लेकिन ये आपको आराम से 25 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। और यदि सेल वेल चल रही हो और कार्ड वाला बेनिफिट हो कि HDFC का कार्ड हो या ICICI का कार्ड हो या SBI का भी कार्ड हो तो ये और 23 में बल्कि 22 में ही मिल जाएगा। तो दो तीन चीज़ें आपके पास और आपके या तो घर में किसी के भी पास होनी चाहिए, तो मैं आपको छोटा सा बात बताई। तो आजकल की एजुकेशन ही सिस्टम कुछ गड़बड़ हो गया है कि जो कॉन्फिडेंस का पार्ट पढ़ाता है अपनी तरीके से, लर्निंग हमारी जो है ना वो अभी भी वैसे के वैसे ही जो टीचर पढ़ा रहा है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं है। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे रास्ते में कि हमारे कज़िन है, वो कहने लगे हमारा बच्चा US में पढ़ता है और उसको तितलियों के बारे में उनने पढ़ाया, तो तितलियों का फ़ोटो नहीं दिखाया, तितलियों की बुक नहीं दिखाई, तितलियों को TV पे नहीं दिखाया, वो एक जगह पे लेके गए, वहाँ तितलियाँ पली हुई थी बहुत सारी, तो उनने अंडे निकलने के दिन से उसको देखा तितलियों को। अभी पहले दिन उनको केवल अंडे दिखाए कि तितली अंडे कैसे देती है, वो एक कांच का उनने पूरा बना के रखा हुआ, उसके अंदर वो तितलियाँ रहती हैं सारी की सारी और उनका पूरा लाइफ साइकिल रहता है, और लाइफ साइकिल केवल 6 दिन का रहता है, यह हमें आज तक कभी किसी ने बताया ही नहीं था। हम तो अपने हिसाब से तितली को तितली समझते थे, कब पैदा हुई कब मर गई मालूम ही नहीं। अंडे बनने से और जो बूढ़ी होने के मरने तक 6 दिन का तो उनका टाइम ही है ज़िंदगी का, और उसमें वो कैसे बनती, तो वो जब दिखाया केवल दिखाया पढ़ाया नहीं, और फिर बच्चे को अपने देखने के अकॉर्डिंग उसको लिखने के लिए बोला, तब वो जो हमारी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अंदर से, हमारे जो शिक्षा डेवलप होती है उसका कोई बढ़िया महत्व है। आजकल की एजुकेशन हमारी जो है वो बहुत महंगी होती चली जा रही, बहुत महंगी, लेकिन वो यूज़लेस है बिल्कुल, अभी भी यूज़लेस है। अभी कौन, अभी मत भरिएगा, बहुत टाइम है अपने को, ये रख लीजिएगा, फीडबैक फॉर्म है। तो हमारी एजुकेशन में सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो हो रहा है वो हमारा कॉन्फिडेंस तो आता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस तो है नहीं, क्योंकि हमने तो दूसरों का पढ़ा हुआ पढ़ा है, जाना तो हमने कुछ है ही नहीं जो मैं इतनी देर से लेक्चर दे रहा हूँ, और जानने के बारे में यदि ऐसा कुछ लिख भी दिया जाना हुआ हमारे बच्चे ने तो टीचर उसको काट देती है, टीचर कहती है नहीं आपने गलत लिख दिया, हमने तो ये पढ़ाया ही नहीं था, हमने जो पढ़ाया था वही लिखो, बिल्कुल वैसे ही करो, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही। मैंने लोगों को अलग अलग लेक्चर दिया बहुत सारी बार, मेरे बच्चे हैं तो वो भी मेरे को सुनते थे हमेशा हमेशा, हमारे साथ ट्रेनिंग में जाते थे और हमारी बातें सुनते रहते थे, तो वो भी हमारे इन्फ्लुएंस में आ गए थोड़ा बहुत। अब वो अपने हिसाब से लिखने लगे तो उनका स्कूल में थोड़ा पंगा होने लगा, इनका होने तो पंगा कोई बात नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि तुमने इतने मार्क्स क्यों नहीं लाए, इतने क्यों नहीं लाए। तो हाँ, हमारे बेटे चले, उनने क्या किया, जब उनकी 10th की प्री बोर्ड एग्ज़ाम था, उन्होंने एक उनको विज्ञापन बनाने को आया, तो उन्होंने पेपर में विज्ञापन बना दिया बढ़िया मजे से, और विज्ञापन बनाने के बाद उनने उसमें एड्रेस लिखना था, तो एड्रेस भी लिखा के सब करके आ गए। जब आ गए तो मुझसे कहने के कि पापा आज हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग है और उसमें कॉपी दिखाएंगे, तो मेरा जो हिंदी वाला पेपर है ना उसमें मुझे बहुत कम नंबर आए, तो ज़रा आप संभाल लेना। मैंने कहा क्यों क्या हुआ ऐसा, अरे कहो वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई, कहले वो इसमें विज्ञापन बनाना था, विज्ञापन बनाने के बाद उसका ऐसी कुछ भी विज्ञापन बना सकते थे आप, और कुछ भी एड्रेस लिखना था डमी, लेकिन अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना था, क्योंकि आप अपने घर का एड्रेस बोर्ड में लिख दोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, तो अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना था। तो मैंने पता है क्या, बहुत अच्छा विज्ञापन बना दिया, और मैंने उसमें एड्रेस में पता है क्या लिख दिया, मैंने कहा क्या लिख दिया, कहले मैंने लिख दिया उसमें रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। एक फिल्म का गाना है एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी फिल्म का, एक्सक्यूज मी प्लीज माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्वेस, ये गाना है ना। तो अब वो क्या टीचर मुझसे बोले कि आप अपना एड्रेस मत लिखना, तो मैंने सोचा क्या लिखूं फिर मैं, अच्छा मैं लिखूंगा राजीव नगर 104, तो 104 किसी का नंबर तो हो गई, अब चाहे राजीव नगर लिखो या संजीव नगर लिखो या कोई भी नगर लिखो आदर्श नगर लिखो, वो कहीं ना कहीं तो भारत में हो गई, तो वो तो एड्रेस ही हो गया ना, फिर अब मैं क्या लिखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वहाँ बैठ के।
तो मैंने लिख दिया रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। तो पापा संभाल लेना अब जरा, मैंने कहा। मैंने कहा वैसे तूने ऐसा लिखा क्यों? बोले पापा कितना मजा आएगा ना, देखो सब लोग ने हमारे जब टीचर ने सुनाया ये बात हमको क्लास में, सब बच्चों खूब जोर जोर से हंसने लगे, टीचर भी खूब हंसने लगे कि देखो एक हमारा बच्चा बड़ा निराला है, क्या लिख रहे हैं जनाब, ऐसे करके सुनाया उन्होंने कि रूप महल प्रेम का लिख रहे हैं, सबको मजा तो आया। बोले पापा पढ़ लिख लेंगे, निकल जाएंगे, कॉलेज में पहुँच जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया पूरी जिंदगी याद नहीं रहेगी, लेकिन जब भी हम दोस्त लोग जब मिलेंगे ना तो बोलेंगे अरे रूप महल प्रेम गली कितना मजा आएगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अब चलो चलते हैं। हम लोग स्कूल गए, उनके स्कूल में मिलने गए, तो कहते पापा वो जो बैठी है ना वो मेरी क्लास टीचर है, वो जो खड़ी हुई ना वो हिंदी वाली में से वो डांटेंगी जरा। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे हम। अब हम गए, हमने देखा ये कॉपी शालीन आ गए, शालीन नाम है उनका, शालीन आओ आओ भाई, शालीन को कॉपी तो दो, आप शालीन के फादर हैं। मैंने कहा जी इनकी कॉपी जरा चेक कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने चेक वेक करी। मैंने कहा तू तो सब छोड़ तेरे तो अब बाकी जितने नंबर आ गए आ गए, अब मैं इसको बढ़ा तो सकता भी नहीं हूँ ना घटा सकता हूँ। तू तो वो विज्ञापन देखा, मैंने विज्ञापन देखा तो उसने ऐसा स्क्वायर बनाया हुआ, उसमें गोला बनाया हुआ ऐसा रफ सा, उसमें कुछ नाम वाम लिखा हुआ ऐसा करके डिज़ाइन बनाई हुई, और नीचे रूप महल प्रेम गली लिखा हुआ, और उसमें रूप महल प्रेम गली में लाल कलर का गोला लगाया हुआ टीचर ने, और यूं करके क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ, और चार नंबर दिए हुए, पांच में से 5 out of 4 दिए हुए। तो कहते पापा ये वाला मिला। मैंने कहा ठीक है ठीक। मैंने कहा बैठे, मैंने कहा देखो शालीन ऐसा है, टीचर सुन रही दोनों की, हम लोगों की पहले डिज़ाइनिंग एजेंसी भी हुआ करती थी, तुम्हें मालूम नहीं मालूम, मम्मी की और हमारी डिज़ाइनिंग एजेंसी भी, हम लोग डिज़ाइन बनाते थे, ब्रोशर कैटलॉग बनाते थे। तुमने ये जो लाइन खींची ना एक से रफ खींच दी, क्या तुम्हारे पास स्केल नहीं था क्या? नहीं वो टाइम से, मैंने कहा थोड़ा मैनेज कर को टाइम, इसको तरीके से लाइन खींचते, और जो गोला बनाया है कुछ पहले से या तो चूड़ी ले आते या प्रकार होगा तो वहाँ पर वो होता है उससे आप बनाते, किसी से भी बढ़िया गोला बनाना चाहिए था। तो ये तो तुम्हारे को मैडम ने ज़्यादा ही नंबर दे दिए 5 में 4, और जहाँ तक तुमने ये लिखा एड्रेस ये मैंने कहा बहुत बढ़िया लिखा। विज्ञापन में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है ना, वो होता है कुछ अजीब सा हो उसमें, तुमने लिखा रूप मेल प्रेम, मैंने कहा इस एड्रेस के कारण इस विज्ञापन की चर्चा हो जाएगी, कहीं और जाए नहीं हो पूरे स्कूल में तो हो ही जाएगी ये एक विज्ञापन कहलाते ही अब है जब उसकी चर्चा हो, भले थोड़ा ऊट पटांग हो। जी ठीक है ठीक है। और मैंने कहा टीचर ने तो तुम्हें 5 में से 4 दे दिए, हम होते तो तुम्हें 5 में से 2 ही देते, क्योंकि तुमने पूरा इतना रफ बनाया बिल्कुल। चलो ठीक है 4 नंबर मिल गए तुम्हें। कॉपी उठाई, मैंने कहा टीचर के पास आए जी साइन कर दिया। उनका आपको मुझसे कुछ कहना था, आपने बोला था कि कुछ कहना, नहीं 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 मुझे कुछ नहीं कहना। उनने सोचा ये बेटा पागल, बाप उससे बड़ा वाला पागल, अब इनसे क्या कहेंगे कहते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। उनका हिंदी टीचर से बोला आपको मुझसे कुछ कहना है? कहें नहीं नहीं अब आपने देख ही लिया, आपने उसको गाइड कर ही दिया कि बहुत अच्छा किया तूने ऐसे लिखा कर, थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में उनने मुझसे कहा ऐसे ही बनाया कर। मैंने कहा जी जी हमारा विज्ञापन एजेंसी थी मैडम, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बहुत सारे लोगों के लिए ब्रोशर कैटलॉग बनाया, और ये जो है ये बहुत बढ़िया चीज़ कहलाती है, पंच लाइन कहलाती है, इसको बोलते हैं कि जो आपका वो होना चाहिए, बल्कि इसको ऊपर स्लोगन डालना चाहिए था, इसने एड्रेस में अट्रैक्शन कर दिया। लेकिन कुछ कहना क्या आपको? नहीं 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 मुझे कुछ नहीं कहना, हो गया बात खत्म हो गया। आ गए कहते चलो समोसा खाए, मैंने कहा चलो समोसा खाए। हम लोग दोनों बाप बेटे खूब मस्ती करते हैं। तो आज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चा अपना ओरिजिनल दे रहा है समझ रहे हैं आप, उसको आप रेड मार्क से गोल कर रहे हो, गलत बात है। बच्चों को रेड मार्क से गोला तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। उसने यदि मात्रा गलत भी लिख दी तो भी मत करो, क्योंकि वो जितना आप गोला करोगे ना पूरा जो अच्छा लिखा है ना वो उसको याद नहीं रहेगा जिंदगी भर, वो जो गड्ढा है ना वही याद रहेगा। अरे ठीक है अभी छोटी मछली को मछली लिख दिया या छी मछली कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा उससे, मछली थोड़ी नाराज हो जाएगी, थोड़े दिन में वो आ जाएगा लिखना। और आप देखिए आज लिखावट लगभग खत्म ही होती जा रही, हम लोग भी बहुत ही कम लिखते हैं, हमको तो कुछ लिखने का कोई बोल देता है मोबाइल उठाते हैं, टाइप ही होता है, और टाइप में यदि आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड भी लिखना हो तो वो जो व्हाट्सअप का जो सॉफ्टवेयर है ना वो अपने आप उसको ठीक करके लिखता है। इंग्लिश में यदि हमें लिखना हो सुधामृत तो वो थोड़ा मुश्किल होगा जो ऐसे आदमी को जिसे हिंदी कम आती है, लेकिन आप SUDHAM लिखोगे तो वो एकदम से ऑप्शन दे देगा आपको सुधामृत। आपने मीनिंग ये नहीं है कि आपको लिखना कितना, मीनिंग ये है कि थॉट हमारा ट्रांसफर होना चाहिए। तो बच्चों के लिए हमने क्या किया हुआ, बंद करें सारे रस्ते, काहे के कॉन्फिडेंस के रस्ते बंद करें। खेल के टाइम हम जो खिलाएंगे वो खेलना है, लाइन से चलो, मुंह पे ऐसे हाथ,
हाथ रख के चलो, आप तो टीचर रहे हैं, आपके बारे में नहीं कह रहा मैं, ऐसे उंगली करके चलो। अरे हमने बच्चों को बचपन से ऐसे पाला कि मतलब मत पूछो। हमारे कॉन्फिडेंस की कमी का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है वो है डर। और हमने अपनी जिंदगी में बच्चों को डरा ही डराया है बचपन से। जैसे बच्चा पैदा हो गया हम लेके आए, दो ही दिन का बच्चा है, दो पहला दिन तो बहुत अच्छा लगा, सबने खूब फोटो खींचे, अरे वाह बहुत बच्चा प्यारा है तुम्हारा, दिखाना दिखाना। जब मम्मी पापा घर लाए, रात भर बच्चे ने सोने नहीं दिया, बच्चे कहाँ सोने दें, वो तो उनके लिए तो कुछ पता नहीं, दिन में सन्ना सन्ना के खूब सोए और रात को जगते रहें, रात को रोते रहें। तो पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, मम्मी पापा को नींद आ रही, भैया मुझे सुबह ऑफिस जाना, 4 बज रहा है, इधर सो नहीं रहा, चुप जा, बुलाओ बिल्ली को अभी, अरे बिल्ली बिल्ली आ जा। बच्चा बच्चा छोटा था, उसे समझ में नहीं आया, समझे कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर समझ में आ गया कि वो डांट रहे हैं। और बच्चे को धीरे धीरे बिल्ली 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 बोल के समझ में आ गया कि बिल्ली कोई खतरनाक सा चीज़ है क्या पता नहीं, लेकिन जिससे मेरी मम्मी भी डर रही, पापा भी डर रही, और मुझे भी बोला जा रहा कि बुलाएं बिल्ली को, मतलब कुछ खतरा तो है, बुलाएं कुत्ते को। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो कुत्ता आ जाएगा, कुत्ता पकड़ के ले जाएगा, बेटा बाहर नहीं जाना। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, वो बाबा ले जाएगा तेरे को, बाबा पकड़ लेगा, बाबा जल्दी आना, तो बच्चा खाना नहीं खा रहा है छोटू, बाबा आ जा, खाना खिलाने के लिए मम्मी ना जाने कितने बाबा कितने साले उसको डरा डरा के खाना खिलाएंगी। मम्मी भी समझती है खाना खाना बहुत महान चीज़ है, उनका लगता है कि जिसे पापा को एक साथ खिला दिया, बिठा के खा लो भैया, अब तुम रात को 9 बजे मिलेगा, बीच में मत मांगना, इसलिए बच्चा भी ठूस ठूस के खा ले यार, मेरा पीछा छोड़ो यार तुम लोग, मैं अपने लिए भी जिंदगी जियो कि इसको खिलाते रहो, उसको खिलाते रहो, उसको खिलाते रहो। तो वो सेट करना चाहती हैं सबको, है ना, सेट बिल्कुल। तो वो साहब उनने बच्चों को बोला, बच्चा बड़ा हुआ, बाबा हो गया, बउआ हो गया। फिर थोड़े दिन बाद बोला कि स्कूल जाना, नहीं तो टीचर डांटेंगी बेटा, टीचर प्रिंसिपल को बोल देंगी, प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे क्लास में। अब प्रिंसिपल का डर बना दिया। फिर बोला कि टीचर को, मम्मी पापा को बुला के, टीचर बोली मम्मी पापा को बुला के अभी तुम्हारे को प्रिंसिपल के पास लेके चलते हैं, ऐसा करते हो क्या, ऐसा क्यों करा तुमने, वो मम्मी पापा का डर बताएंगी, वो प्रिंसिपल का डर बताएंगी। बच्चे के आसपास ध्यान से देखो, यदि डर में यदि एक स्टिकर चिपक रहा होता, मान लीजिए कौन सा स्टिकर, जब हम प्लेन में जाते हैं तो वह एक स्टिकर चिपका देते ना हमारे, ऐसे डर के यदि स्टिकर चिपक रहे होते तो बड़ा 20 साल का होते होते तक तो पूरी बॉडी स्टिकरों से भरी भरी होती बच्चे की, ढेर सारे उसको डर हम देते जाते, डर हम देते चले जाते। अब जब वो कॉलेज से निकल के आता है बाहर, तो पता चला कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, कॉन्फिडेंस कैसे ले लिया, कॉन्फिडेंस लेके हर बच्चा पैदा होता है, बिना कॉन्फिडेंस के बच्चा पैदा होता ही नहीं है, वो विजेता बच्चा होता है, हर बच्चा विजेता होता है। आपको पता है महिला के जो पेट में बच्चा बनता है तो वो शुक्राणु से बनता है, और लाखों करोड़ों शुक्राणु दौड़ लगाते हैं अंडकोश की तरफ, और एक शुक्राणु उसमें से जीतता और अंडकोश के अंदर इंसर्ट कर जाता है, वहां जीवन होता है, मतलब जो अंदर इंसर्ट हुआ है वो करोड़ों में एक है। तो आपका बच्चा करोड़ों में एक है, और हम उससे क्या बोलते रहते, क्या रे तू बिल्कुल बेवकूफ है यार, तुझे कुछ भी नहीं आता, ऐसे करके उसमें और इंजेक्शन लगाते जाते हैं कि उसको ये फीलिंग आने लग जाती कि मुझे कुछ भी नहीं आता, और ऐसे करके हम उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। हम उसको गाड़ी नहीं चलाने देते, हम उसको ये नहीं करने देते, हम उसको मोबाइल देते हैं काय के लिए, इसके लिए नहीं, उसको मोबाइल देते हैं कि देख तू जा रहा ना, मोबाइल साथ में रखना, और सुन उसको साइलेंट में मत करना, मैं फ़ोन लगाऊंगी नहीं उठाना, तो तेरा मोबाइल ले लूँगी, समझ गए काय के लिए दे रहा है तुम लोगों को मोबाइल देता यार, साइलेंट पर करके बैठ जाते हो तुम लोग, उसने उठा के कल फ़ोन बंद कर दिया, वापस ले लेंगे भैया मोबाइल तुम्हारा। हमको क्या लगता है वो हमारी चेन में बंधा रहा है पूरे टाइम, और फिर हम उसको फ़ोन करेंगे, जब हम फ़ोन करेंगे अरे और मम्मी भी ना मेरे को इतना तंग करती है, जबरन में फ़ोन कर रहे हैं, हेलो हाँ मम्मी सो के अभी उठाऊँ मैं, आज थोड़ा सर दुख रहा था, हाँ नहीं दोस्त लोग घर पे कोई भी नहीं, अकेला हूँ, ठीक है मम्मी खाना खा लूँगा मैं, हाँ हाँ खाने का आप चिंता नहीं करा करो, मैं खा लूँगा। समझ रहे, झूठ बोलना किसने सिखा दिया, हमने तो सिखा दिया ना उसको, हमने सिखा दिया, हमने सिखाया। कल हमारे बच्चे का फोन आया, कि लगा कि हम आज हम 12 दोस्त रुकेंगे 12, तो हमने कहा ठीक है रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे कॉलेज के कॉलेज रुक जाओ, खाने वाने का देख लेना तुम कैसे करना, क्योंकि वहाँ खाने बनाने वाला कोई है नहीं, दीपा भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो कहना नहीं वो हम लोग तो कंट्री कर लेंगे, सबका एकत्र करेंगे, सामने होटल है वहाँ जाके खा के आएंगे, 12 दोस्त रुकेंगे। आप लोग कितने बजे आ जाओगे,
हमने कहा हम हमारी ट्रेन आ जाएगी 7-8 बजे तक, और यार 7 बजे तक तो हम लोग सोके नहीं उठेंगे, हम तो रात में मतलब 7 बजे आ जाएगी तो उनको रख रहा रहे यार ये तो गड़बड़ हो गई है ना। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी ट्रेन थोड़ी लेट भी हो सकती है, हम लोग इतना लंबा सफर है, 10-11 बजे तक आएगी, और यदि हम आ भी जाते तो क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त सोएंगे, सोते रहने देना सबको, पूरा हमारा क्या करता गद्दे मद्दे सब नीचे बिछा लेगा, वो पूरा नीचे बिछा के खूब मस्ती करेंगे, हमारा पर म्यूजिक सिस्टम है, कहीं डांस करेंगे, कभी कुछ, पूरा हमारे घर के नीचे कॉम्प्लेक्स है हमारा बहुत बड़ा, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं 200-250 फ्लैट हैं, वो होता है ना मल्टी वाले कॉम्प्लेक्स आजकल, स्विमिंग पूल है सब कुछ है, वो बाहर बड़ा खूब सारा मार्केट लगा हुआ अच्छा खासा, तो वहीं से सब खा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो हमको मालूम होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और जैसे उनने बताया हमने क्या बोला, अरे तो क्या हुआ ना यार, बुला लेना, ऐसा कर तू मैगी ला के रख दे घर में, कभी नहीं खा पाए ठीक से रात को तो तुम लोग मैगी बना के खा लेना, मुझे मालूम है कि मैगी नहीं खानी चाहिए, मैं लेक्चर देता हूँ मैगी खानी चाहिए, लेकिन अब 10-20 साल का बच्चा है उसको अभी हम ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं करते, तेरी मर्जी जो खाना, और वो भी मैं बता देता हूँ कि भाई ज़्यादा मत खा, कभी इमरजेंसी ऐसी फंसती है तो खा भी ले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमारी उम्र तुम्हारी उम्र में अंतर है। तो कोशिश ये करिए कि जो डर है इसके इंजेक्शन लगाना बंद करिए बच्चों, और आपने जितने लगा दिए अब उसको कम से कम अब मत लगाइए, अब मत डरिए उसके बारे में, बच्चों को आज़ादी दीजिए, बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए, बच्चों को पैसे दीजिए, बहुत से लोगों के बच्चे पैसे चुरा लेते हैं घर से, हाँ ये कंप्लेंट होती है चुरा लेते हैं बच्चे, हमारे एक रिलेटिव है उनके बच्चे ने पैसे चुरा लिए, उन्होंने मुझे बोला कि आप इसका काउंसलिंग करें थोड़ा सा, ये बच्चा पैसे चुरा लेता, उनको उसकी काउंसलिंग की जरूरत नहीं आपकी काउंसलिंग की जरूरत, मैंने कभी पैसे चुराए नहीं क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से कहा कि 1000 रुपये दे दो, उन्होंने मुझे 2000 रुपये दे दी, चुराने की जरूरत ही नहीं, मैंने उनको बोला भी कि मेरे को चाहिए ही नहीं 1000 ही चाहिए थे, उन्होंने कहा तो रख लेना, एक ऐसा कर डब्बा बना ले उसमें रख लिया कर, जो बचा करे उसमें रख लिया कर, दैट्स ऑल, तो चुराने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे घर में भी हमने ऐसे देखा तो हमने भी ऐसे करा, हमारे बच्चों के पास भी खूब सारा पैसे रहते हैं, मेरी बेटी के पास तो बहुत टाइम से ATM कार्ड है अच्छा खासा सब कुछ है, तो बेटे के पास भी सब कुछ है, तो हम अभी रख के आए थे पैसे रखे आए थे उसके पर्स में मैं 1000 रुपये अलग से रखाया, जबकि आजकल तो रखने का जरूरत भी नहीं है, आजकल तो पेटीएम है यहाँ से हम भेज सकते हैं उसको, उसके बाद अपना मोबाइल है, लेकिन मैं फिर भी कैश भी रखाया कि कभी पेटीएम नहीं चला तो कुछ होता, तो और उसके अलावा मैंने अपनी अलमारी में भी ऐसी जगह रख दी जो उसको अभी बताया ही नहीं, कभी मान लीजिए खत्म हो गया तो मैं यहाँ से उसको बता दूंगा कि वहाँ रखें, मीन्स है कि उनको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमारे पास भरपूर खाना है भरपूर पैसा है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर वो निश्चिंत होकर जिंदगी जियेंगे, डरेंगे नहीं, एटलीस्ट हर कदम कदम पर डर हम डाल देते हैं बच्चे के आगे, और ये जो डर है ना ये बहुत गलत रोल काम करता है, डर गलत नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, डर बिल्कुल गलत नहीं, डर बहुत बढ़िया चीज़ है, डर हमारे भगवान की बनाई हुई सर्वोत्तम कृति में से एक है, सर्वोत्तम, क्योंकि डर करती क्या है, डर हमारी बहुत सी बार हमारी जान बचाता है, और वो हमारा एक जान बचाने वाला एक उपकरण है, एक यंत्र है, कैसे बताता है समझिए, कि जब भी हमारे को कोई संकट आएगा शरीर को, तो जैसे शरीर को संकट आएगा डर क्या करेगा, इग्निशन ऑन करेगा, पावर जनरेट करेगा और पावर से हमको बचा लेगा, समझिए एक कुत्ता सड़क पे सो रहा कि सड़क के किनारे सो रहा और आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो वो सोता रहेगा, लेकिन आपने क्या किया मोटरसाइकिल को सड़क से नीचे उतार लिया और नीचे चला रहे हैं जिधर वो सो रहा है उसकी लाइन में, तो कुत्ता यूं देखेगा फिर उधर, फिर यूं जाएगा खड़ा, फिर सोचा थोड़ा खड़ा होगा कि साला नीचे क्यों चला रहा है और ये तो मेरे सामने चला रहा है, फिर भी बैठा रहेगा वो, और आप चलते चले आ रहे हो तेजी चलते चले यूँ होगा, और जैसे ही आप उसके पास आओगे वो सोचेगा हटा लेगा नहीं हटा, तो वो पूरी ताकत से अपने आप अपनी बॉडी को उठाकर साइड आपने चढ़ाई दी कि चलो देखते हैं क्या होता है, वो अपने आप को साइड में फेंकेगा और साइड में फेंकने के बाद एकदम से पलटेगा और जोर से आपके ऊपर भौंकेगा बाद में, सबसे पहले क्या करेगा बताए, तो देखने में ऐसा लगता है कि कुत्ता तो सो रहा है उसमें तो एनर्जी अभी है ही नहीं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक स्टोर्ड एनर्जी है जो कि उसकी लाइफ सेविंग एनर्जी है, और वो जैसे ही गाड़ी पास आई और जैसे उसको लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा तो इमीडिएट उसकी बॉडी ने अच्छा वो रिएक्शन बॉडी देगी, कुत्ता नहीं देगा, मैं यहाँ बता दूँ, ये बॉडी का इनबिल्ट सिस्टम है, बॉडी का इनबिल्ट सिस्टम है कि बॉडी बॉडी को बचाए रखना चाहती, भगवान की प्रकृति जो है उसने ऐसा शरीर बनाया हमारा कि वो शरीर को बचाए रखना चाहता, तो सारे लोगों के शरीर में ऐसा बनाया हुआ, आप एक देखिएगा आप एक चीटा जा रहा होगा उसके जाते आराम से घूम रहा है, वो ऐसे मार दीजिए उसके सामने, वो एकदम रुकेगा, चौंकना जैसे बोलते हैं ना, चौंकना क्या है, चौंकना एक गाड़ी का इग्निशन है, अभी बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे 10-12 कारें खड़ी हैं, लग रहा है कि उनमें एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं,
कई तो कल रात से खड़ी हैं एकदम ठंडी, लेकिन जैसे ही हम चाबी डालेंगे ऑन करेंगे, क्या चाबी घुमाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन ऑन करना है ना, बोलते हैं ना जो जेंट्स हैं वो जानते होंगे, इग्निशन जैसे ऑन करेंगे आवाज आएगी। इग्निशन का क्या मतलब कि अंदर एक बैटरी रखी हुई है, बैटरी में एनर्जी भरी हुई, गाड़ी में एनर्जी नहीं, सारी एनर्जी बैटरी में, और जैसे इग्निशन ऑन करेंगे वो बैटरी से पावर लेगी गाड़ी, और पावर से वो एकदम से आपके ब्लॉक पिस्टन को चलाएगी, क्रैंकशाफ्ट चलेगा, क्रैंकशाफ्ट चलने से वो गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाएगी, और फिर गाड़ी का स्टार्ट होने का ऑटोमेटिक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा पेट्रोल के थ्रू। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हम लोग अभी बैठे हैं डल से, बिल्कुल डल से, और मैं बात कर रहा हूँ आपसे सिंपल सी बात, अचानक से इधर से सांप आ जाए, मैंने देखा ही नहीं सांप आ जाए, वो बिल्कुल पास आ गया, और जैसे मेरा ध्यान गया तो मैं इतनी तेजी से अपने आप को हटाऊंगा वहां से। ये क्या हुआ, अभी तो नहीं हुआ, अभी उतना तेज नहीं हुआ क्योंकि अभी डर नहीं आया। डर जैसे आएगा, डर क्या करेगा, पूरी एनर्जी फ्लोट करेगा, और एनर्जी फ्लोट करके जोर से हटाएगा, लेकिन उसमें एक काम और करता है डर, ध्यान से सुनिए, डर एक जो बड़ा काम करता है वो ये करता है कि वो प्रकृति, हमारी बॉडी का, प्रकृति ने हमें बॉडी दी, बॉडी हम चला रहे हैं, हमारा माइंड चला रहा है, लेकिन जब डर काम करेगा तो वो कैसे करेगा सुनिए, हमारा माइंड जब बॉडी चला रहा है तो माइंड को चलाने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। जैसे मैं आपसे एकदम से कुछ पूछ लूँ तो आदमी बोलेगा देखिए चलन जी इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी सेंटेंस बोलने की, लेकिन क्यों बोला हमने, ऐसा करा, क्यों करा, क्यों करा, क्योंकि उस बीच में हम जो प्रश्न पूछा गया है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सेट कर रहे थे, मेमोरी में से निकाल के ला रहे थे, तब तक हमने इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, अननेसेसरी हमने एक सेंटेंस बोला, मतलब हमको जैसे ही क्वेश्चन पूछा उसके बाद थोड़ा टाइम चाहिए काय को, माइंड को सेट होने में, टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, टाइम चाहिए माइंड को सेट, माइंड इतना तेज है, माइंड से ज़्यादा तेज दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन उसको भी टाइम चाहिए, तभी तो हमारे में ऐसा निकलता है ना, वेल कई लोग इंग्लिश बोलते हैं वेल ऐसे निकलेगा, क्यों, टाइम चाहिए, माइंड इतना तेज है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, उसको भी टाइम चाहिए। लेकिन जब आप 40 की स्पीड में जा रहे हैं ऐसे पहाड़ों के रास्ते में कार से, और उधर से एक ट्रक आ रहा है 80 की स्पीड में, सोचो 80 की स्पीड में वो आ रहा है, 40 की स्पीड में आप जा रहे हैं, दोनों को मिला दे तो कितना हुआ, 80 और 40 120 हुआ क्या, नहीं, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना, आप लोग जानते होंगे 40 इधर से जा रहा, 80 पैरेलल नहीं जा रहा, 80 वापस आ रहा, तो वो मल्टीप्लाई होगा, न जाने कितने किलोमीटर की स्पीड हो गई, और उस किलोमीटर की स्पीड से आपको दिखाई नहीं वो ट्रक, क्योंकि वो ट्रक पीछे था चट्टान के, और एकदम से सामने आ गया, आपने गाड़ी जल्दी से ऐसी अपने आप यूं करी हो गई, ये इतने कम सेकंड में हुआ कि वो जो वेल बोल के माइंड सेट करने का टाइम था वो मिला ही नहीं आपको। तो क्या होगा, उस टाइम पे प्रकृति ने सिस्टम फिट किया है कि भाई जब तेरे पास टाइम ना हो माइंड के पास, माइंड को तो टाइम चाहिए पर इतनी जल्दी तो बचाया नहीं जा सकता, तो एक काम करना कि सारा प्लान हम ले लेंगे। तो प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने गाड़ी खुद चलाई, ध्यान से सुनना ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी, प्रकृति ने गाड़ी खुद चलाई, आपको अलग कर दिया ड्राइविंग सीट से, अच्छा आप भी चला रहे हो और नेचर भी चला रहा, नेचर स्पीड से चलाएगा क्योंकि नेचर ज़्यादा स्मार्ट है हमसे, नेचर चलाएगा, तो दो ड्राइवर हो गए, एक आप और एक नेचर, है ना, दो ड्राइवर हो गए, दो ड्राइवर होंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना पक्का है, तो वो क्या करेगी, आपके अंदर डर का केमिकल जैसे ही बढ़ेगा, इमीजिएटली डर का केमिकल हमारे नाभि से निकलता है, नाभि से डर का केमिकल स्टार्ट होता है, डर का केमिकल स्प्रेड होगा, और वो जब तक इमीजिएटली स्प्रेड होगा एकदम से डर का केमिकल क्या करेगा, हमारे माइंड को सीज कर देगा, दिमाग को चलना बंद कर देगा, क्योंकि दो ड्राइवर नहीं हो सकते ना, ड्राइवर एक ही होगा, तो वो ड्राइवर कौन बनेगा, नेचर बन रहा है, तो नेचर बन रहा है तो वो माइंड को सीज कर देगा, माइंड को सीज करा, हमें एकदम समझ में नहीं आया क्या करें, ब्लैंक हो गए हम, लेकिन फिर भी किसी ने बचा लिया, हमारी बॉडी ने बचा लिया, हमारी बॉडी ने एक्टिविटी करी उस समय, माइंड ब्लैंक, बॉडी ने एक्टिविटी करी, मतलब नेचर ने एक्टिविटी करी, वो बच गए, जैसे ही बच कर निकले साला एकदम से लगा हुआ आ गया, मैंने भी बचा लिया, हम बोलेंगे मैंने बचा लिया, सही बताएं, हमारे माइंड ने नहीं बचाया, हमारी बॉडी के सिस्टम ने बचाया हमें, और ये होता है हमेशा, बाद में हमें समझ में, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं भी छोड़ूंगा नहीं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, डर जब आता है तो माइंड सीज हो जाता है, कैसे, एक आदमी गाड़ी चला रहा कार, एक पतंग कट के आई एकदम से क्रॉस करके निकल गई, और उसमें से कुछ बच्चे दौड़ते हुए आ धड़ाक सा कार से टकरा गए,
अगले पहिए से टकरा, हालांकि बच्चा कार के सामने नहीं आया, दौड़ के आया कार के साइड से टकरा के गिर गया, छोटा सा बच्चा 4 साल का गिर गया एकदम, वो उसे सर में से खून वून निकलने लगा, नाक में से खून आ गया, लोगों ने उसको उठाया, आपने भी गाड़ी रोकी, अरे बच्चे बच्चे ओ क्या क्या गाड़ी चला रहे आप, वहाँ के लोग लड़ने लगे आपसे, लोकल लोग, अरे भैया मैं तो बिल्कुल 40 की स्पीड में चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी से टकराया भी नहीं, वो इंजन से टकराया साइड, चलिए पुलिस तो पुलिस चले, चलो पुलिस चलो, हमें क्या दिक्कत है, बच्चों को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, आपको थाने में ले आकर बिठा दिया, आप थाने में बैठे हुए, बच्चा हॉस्पिटल चला गया। थोड़ी देर में TI के पास फोन आया, हाँ 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 मैं TI बोल रहा हूँ, हाँ बोलो, हाँ वो हमारे इधर का बच्चा है, हाँ गोलू नाम है उसका, हाँ क्या हुआ उसका, क्या मर गया बच्चा, मर गया, नहीं बिठा के रखा मैंने दोनों को, हाँ एक ड्राइवर है एक साथ में दोस्त कोई उसका, ठीक है हाँ चेक करता हूँ लाइसेंस, लाइसेंस ठीक है, नहीं तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा, बंद करता हूँ दोनों को, ओके। क्या हुआ सर, वो बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, क्या नाम है आपका जी, हकलाने लगे नहीं हम, और हमें अपना नाम भी याद नहीं आ रहा है, इसमें लाइसेंस है आपके पास, लाइसेंस है, लाइसेंस लाइसेंस कहाँ है सर, मैं मेरा मोबाइल वो कार में रह गया सर, वो तो मैं फ़ोन कर लूँ लैंडलाइन से, हाँ कर लीजिए, बच्चों मर गया यार, हाँ हेलो मम्मी, किसकी मम्मी, आपकी शादी भी नहीं हुई अभी, अबे किसको फ़ोन लग गया यार, मेरा नंबर क्या है यार, नंबर लगा है, बच्चा मर गया, ताली तो बजा दीजिए, अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ ना, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारा डर आ गया, डर आया माइंड सीज, चलना बंद, हमें अपना अपना नाम याद नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चीज़ की प्रैक्टिस जो करी है वो हमारा नाम है, मेरा नाम शैलेंद्र है, मैंने सबसे ज़्यादा क्या वर्ड सुना है दुनिया में, शैलेंद्र, आपका जो नाम है वो आप यदि सो भी रहे हो, 500 लोग सो रहे हो, और आपका क्या नाम सर, अंद्रेश, मैं बोलूँ अंद्रेश सर, अंद्रेश सबसे पहले बाकी नहीं जगेंगे आप जगोगे, क्योंकि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, वो हमारा नाम हम भूल गए, हमारा घर का नंबर हम भूल गए, हम हकलाने लगे, लैंग्वेज तक भूल गए हम, क्योंकि बच्चा मर गया, अब हम पता नहीं क्या होगा हमारा, कौन गवाही देगा, कहाँ कैमरा वैमरा होगा कि जो हमने हमसे साइड से टकराया, हम स्लो चल रहे थे, ये डर आ गया हमारा, तो हमने माइंड सीज कर दिया, इस डर ने क्या किया, माइंड को सीज कर दिया, ये जो माइंड से कनेक्शन था बॉडी का, माइंड से जो कनेक्शन था, माइंड ऐसा होता है डबल, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, इसको उसने सीज कर दिया, किसने, डर ने, माइंड चलना बंद, बस ये समझ जाइए, अब क्या होता है, हमारा बच्चा इंटरव्यू से डरता, समझ रहे, इंटरव्यू से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इंटरव्यू से डरता, वो इंटरव्यू देने जाएगा तो क्या होगा, क्या घटना घटेगी, डर आएगा, और डर क्या कर देगा, डर माइंड को सीज कर देगा, उसे जो आता है वो कर नहीं पाएगा, जबकि इंटरव्यू में डर की जरूरत ही नहीं थी, पर हमारी सोसाइटी ने मिलके, हमने मिलके, सारे 100 लोगों ने मिलके इतना एक्सपेक्टेशन कर लिया उससे कि सुनो ये इंटरव्यू तुम्हारी ज़िंदगी का खास इंटरव्यू, तुम्हें ध्यान से देना है, तुम जीत गए, तुम जीतोगे, तुम भगवान जी के प्रसाद लेके जाओ, तुम ये करके जाओ, तुम वो करके जाओ, और बच्चा इतना कॉन्शियस हो गया कि वहाँ जाने से पहले ही उसकी फुरफुरी छूटने लगी कि कहीं मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ, तो और वो डर गया, माइंड सीज हो गया, गड़बड़ हो गई, तो ये जो कारण है ये सबसे बड़ा कारण है, डर बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रक आया था, माइंड सीज होना जरूरी था, बहुत बढ़िया हुआ, वैसे बहुत सारी चीज़ों में माइंड सीज होता है, और हम इमीडिएट प्रकृति हमें उठा के दूसरी जगह फेंक दी हमारा जीवन बचाने के लिए, लेकिन वो तो ठीक था, लेकिन अब हम बेकार की बातों पर डरने लगे, सांप से मिलने जाना है डर गए सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माइंड सीज हो जाएगा, है ना, मैडम एक आई थी यहाँ पे, उनको कहानी सुनाई, मैडम थोड़ी डर गई तो मैडम कहने लगी नहीं मैंने तो उसका मुंह देखा, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया मैंने, क्या बोला उसने, मैडम कहने मैं एक भी शब्द नहीं सुना सकती उसको, क्यों नहीं सुना सकती, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आप सुना देंगे घर पे सुना देंगे, यहाँ नहीं सुना पाए, क्योंकि डर आया, डर ने माइंड सीज कर दिया, कहानी बिल्कुल गई, याद ही नहीं, है ना, बाकी लोगों को भी उतनी अच्छी कहानी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई, डर की वजह से भी नहीं हो पाई, वही कहानी यदि हम आपको लिख के दे देते कि कल आप आके सुना देना, या घर पे अपने बच्चों को सुना देना, आप अपने बच्चों को सुना पाते कि नहीं सुना पाते, अच्छे से सुना देते, क्योंकि वहाँ डर नहीं था,
तो डर हमने अननेसरी डाल दिया चीज़ों में। अब होता क्या इंटरव्यू के टाइम पे, या प्रेजेंटेशन बताऊँ, इंटरव्यू छोड़ देता हूँ, प्रेजेंटेशन के टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए चार लोग बैठे हैं, आपका प्रेजेंटेशन है, NHPC का प्रेजेंटेशन है कि सर आप आइएगा प्रेजेंट करिएगा अपने कंपनी को, तब आपको उसका ऑर्डर मिलेगा आगे का काम। आपने कहा ठीक है, आपने अपने बैग वैग तैयार किया और आप चलो ठीक है आज जाना है, आप पहुँचे, जाना कहाँ, दिल्ली जाना, आप दिल्ली गए, होटल पर रुके, होटल बिल्कुल पास में ले लिया आपने, जिस होटल में इंटरव्यू था उसके बिल्कुल पास में आपने अपना होटल ले लिया, वहाँ से आप टाइम पे निकले और आपने सोचा कि 3 बजे बुलाया मुझे, तो 3 बजने में 15 मिनट पर आप तैयार हो गए, वॉकेबल डिस्टेंस, सामने होटल दिख रहा लेकिन फिर भी 15 मिनट पहले तैयार हो गए और आप पहुँचे होटल बिल्कुल टाइम पे। एक्सक्यूज मी, मैं आई क्यों मैडम? हाँ आई आई मैडम, मेरा इंटरव्यू है यहाँ पे आज, आप रिसेप्शन पे? हाँ हाँ मैं रिसेप्शन, तो क्या नाम आपका? शैलेंद्र। अरे आपका तो नंबर निकल गया, आप जल्दी जाइए, वो आपका 3 बार नाम बुला चुके हैं। नहीं नहीं मेरा तो 3 बजे टाइम दिया था ना। अरे तो वो 2-3 लोग आए नहीं, उनकी ट्रेन मिस हो गई, तो आपका नंबर पहले लग गया, जल्दी जाइए, वो वेट कर रहे हैं, कोई भी नहीं अंदर, 2-4 मिनट हो गए वेट करते हुए। मैंने वो मुझे वॉशरूम जाना था। अरे वॉशरूम कहाँ को जा रहे हैं, अंदर जाके इंटरव्यू अपना प्रेजेंटेशन दीजिए वो लोग। नहीं मैडम मैं जल्दी से आता हूँ, आप गए वॉशरूम में जल्दी जल्दी करो। बाप रे सर मेरे को पहले, मैंने 3 तो अभी बजे भी नहीं है, चलो देखता हूँ। हाँ जाइए जाइए अंदर। तो मैं क्यों सर? हाँ आइए, आपका नाम? मैं शैलेंद्र। अरे तो आपका तो हम 5-7 मिनट से वेट कर रहे हैं, आप कहाँ थे? नहीं सर वो मेरे को तो 3 बजे का टाइम दिया था, तो अभी तो 3 बजने में वैसे भी 5 मिनट है। अरे तो वो 2-4 लोग तुम्हारे यहाँ के आए नहीं ना, हम क्या करें, यहाँ लोगों की ट्रेनें छूट जाती है, समझ नहीं था कहते शहर हम लोग पहली बार आ रहे हैं। सर वो मुझे भी पता नहीं, बैठिए जी सर। हाँ बताइए जी क्या? अरे प्रेजेंटेशन देना। हाँ जी 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 सर, वो लाए का लेटर, लाए प्रेजेंटेशन का जवाब लाया था। नहीं वो तो सर हमने सब कुछ मेल कर दिया ना आपको, तो हार्ड कॉपी रही रखते नहीं है? हार्ड कॉपी? नहीं सर हार्ड कॉपी है ना मेरे पास, मैं बताता हूँ सर, मैं हार्ड कॉपी है मेरे पास। सॉरी सर, ये जी सर। चाय पियेंगे क्या? नहीं सर चाय मैं क्यों पीते नहीं चाय? नहीं पीता तो हूँ सर, अभी अभी नहीं पीऊँगा। क्यों? वो क्या होगा, वो प्लेट और कप जो है ना टक 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 बोलेगा तो आप थोड़ा घबरा क्यों रहे हैं? नहीं सर मैं घबरा नहीं रहा सर, तो रिलैक्स होकर आराम से बैठिए। जी जी सर मैं आराम से बैठा हूँ। हाँ बताइए आप क्या बता। अब सर देखिए ऐसा है कि एक्चुअली क्या हुआ सर कि हमारे यहाँ संतोष गुप्ता जी हैं, वो आने वाले थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, अचानक से उनके कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई तो वो चले गए। तो हाँ तो आप दे दीजिए, मैं उतना अच्छा नहीं दे पाऊँगा लेकिन फिर भी आपको देने की कोशिश करूँगा। हमने दिया, देने के बाद बाहर निकल के आए। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू। नहीं नहीं वो नहीं, तैयारी मेरी पूरी थी, ये आप रखेंगे? मैं अच्छा आप मैं रख देता हूँ, ठीक मेरे मैंने आपको कॉपी दी हुई। ओके सर थैंक यू। बाहर आते सब नॉर्मल हो गया, लोगों ने मुझे कैसा रहा था इंटरव्यू? अरे बस चला गया यार, क्या बोलूँगा थोड़ा सा क्या ना, वो 5-7 मिनट पहले उनने मेरे को भेज दिया, एकदम से माइंड मेकअप नहीं कर पाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन है ना आ गए। कुछ गलती हुई कि नहीं हुई? गलती हुई, गलत हो गया थोड़ा सा जो नहीं होना चाहिए था, आता मुझे सब था, 15-15, 20-20 साल से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सब आता हमें, लेकिन कमी काई क्या गई थी? डर आ गया, डर आ गया, डर ने कॉन्फिडेंस कम कर दिया। अरे मैं ये बोलता हूँ क्या दिक्कत है आपको, इंटरव्यू के टाइम पर प्रेजेंटेशन के टाइम पर डरने की जरूरत ही क्या है? अब कैसे नहीं डरें, समझिए इस बात को, नहीं कैसे डरें। देखिए जब भी हम डर आता है ना तो हम पर्टिकुलर एक टाइप की सांस लेते हैं जब डर आता है, जब भी हम गुस्सा होते हैं ना तो गुस्से की सांस लेते हैं जब गुस्सा आता है। तो आपको देखो अभी मैं गुस्से की सांस लेकर दिखाता हूँ, अभी गुस्से का कोई कारण है क्या मैडम? अभी कोई कारण है गुस्से का? कोई कारण नहीं, अभी तो कोई कारण नहीं, मैं किस पे गुस्सा हूँ लेकिन फिर भी मैं देख ही देता हूँ। अब मेरा हार्ट बीट बढ़ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरे से कोई कमज़ोर दिख नहीं रहा, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है उसको उठा के बाहर फेंक दो। ये रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ताली तो बजा दीजिएगा। ये डर वाली सांस, जब डर वाली सांस में बिना डर के लूंगा तो मेरा हार्ट बीट बढ़ेगा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मेरे को ताकत आ जाएगी, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, शुगर लेवल बढ़ जाएगा।
क्योंकि बॉडी सोचेगी कि अब इसको किसी से लड़ाई करनी है, गुस्सा आ रहा है तो लड़ाई करनी है, तो बॉडी ने शुगर लेवल बढ़ा दिया। और बॉडी ने क्या किया, शुगर लेवल बढ़ाने के बाद सारी एक्टिविटी वो कर दी जो कि लड़ाई के समय होती है, वो सारी कर दी अननेसरी शुगर लेवल। इसलिए जो लोग गुस्से में होते हैं ना, गुस्से में बिना काम के गुस्से में होते हैं, उनका शुगर लेवल में चाहे धनिया पत्ती से कम करूं या किसी भी चीज़ से कम करूं, वो फिर बढ़ ही जाता है, क्योंकि वो गुस्से में आ जाते हैं, उनका शुगर लेवल बार बार हाई चला जाता है। खाए नहीं भी उनने, दो रोटी भी नहीं खाई पूरी, लेकिन फिर भी शुगर लेवल हाई हो गया, क्योंकि गुस्से में आ गए। उसी तरह जैसे गुस्से की सांस को मैंने एक बार नोटिस कर लिया कि गुस्से में कैसी सांस चलती है, तो अभी मैंने बिना गुस्से आए सांस चला दी वैसी, और गुस्से की एक्टिविटी पूरी बॉडी में हो गई। ऐसे ही हम जब डर में हों, अगली बार हम जब डर में, रियल डर में हों, कभी ऐसी घटना घट जाए, अभी तो नहीं घटेगी क्योंकि अब आपके जिंदगी में डर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाए जब आप रियली डर में हो, तो उस डर की सांस को ध्यान रखना। और अब जब आप इंटरव्यू देने जाओ, प्रेजेंटेशन देने जाओ, तो आप वो वाली सांस लेना ही मत, समझ गया, वो वाली सांस ही मत लेना, कौन सी डर वाली। आप अगली बार जब इंटरव्यू देने जाओ, प्रेजेंटेशन देने जाओ, तो वो डर वाली सांस ही मत लेना, बात खत्म, डर आएगा ही नहीं, और डर नहीं आएगा, माइंड सीज नहीं होगा, खत्म, जीत गया। तो अगली बार जब प्रेजेंटेशन देने आओ तो क्या होता है देखते हैं अगली बार। नेक्स्ट टाइम डोर खुला, अंदर गए, मैडम मेरा प्रेजेंटेशन था आज। हाँ आप तो 5-10 मिनट लेट हो गए, आपका नाम 3 बार बुलाया जा चुका है। नहीं लेट नहीं हो मैडम, 3 बजे आने का टाइम दिया था, लेकिन वो दो लोग आए नहीं ना, उनकी ट्रेन छूट गई, तो वो पहले ही चले गए, तो आपका नंबर पहले ही आ गया, 10-15 मिनट से वो वेट कर रहे हैं आपका। तो आप सर मैडम वॉशरूम यहाँ पे, वॉशरूम तो उधर है, लेकिन आप अंदर चले आइए, टाइम हो गया। नहीं नहीं मैडम मेरा टाइम नहीं हुआ, 3:05 अभी बाकी हैं, मुझे 3 बजे का टाइम दिया था, 3:05, अब वो लोग नहीं आए तो उसके लिए मैं क्या करूँ, वॉशरूम से आता हूँ। रिलैक्स, वॉशरूम जाइए, अच्छे से शर्टिन करिए, गंगा वंगा एक बार देख लीजिए, सब सही है, बढ़िया है ना, मुंह पोछ लिया थोड़ा अच्छे से पानी शावर डाल के, क्योंकि अभी 5 मिनट बाकी हैं, अच्छे से पोछा, अभी भी 2 मिनट बाकी, अब आए। हाँ मैडम अंदर, हाँ जाइए जाइए जल्दी, दौड़ के जाइए, दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मेरा अभी टाइम में 2 मिनट और बचे हैं, अंदर पहुँचे आराम से, अभी भी 2 मिनट पहले ही हम। मैं कमिन सर, आइए आइए आइए, आप कौन, मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, आपको तो हम 15 मिनट से वेट कर रहे हैं, 2 बार बुला चुके हैं आप, अभी इतने लेट चले। नहीं नहीं सर, आप मुझे 3 बजे का टाइम दिया था, अभी भी 3 बजने में 2 मिनट है, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी इस बात के लिए कह रहा हूँ कि मैं 2 मिनट पहले अंदर आ गया, नहीं तो सर मेरा एक ही नियम है, 3 मतलब 3। अच्छा बैठिए, थैंक यू सर, आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा, लेकिन मेरे को तो 3 बजे का टाइम दिया था। जी आप वो प्रेजेंटेशन, हाँ जी, तो वो कुछ हार्ड कॉपी लाएँ, वैसे मैंने सॉफ्टवेयर आप सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दी है, लेकिन आपको चाहिए तो मैं हार्ड कॉपी दे देता हूँ, बस एक सेकंड है ना, ये हार्ड कॉपी है, और जो प्रेजेंटेशन देना है उसका ये सेकंड पेज आप देख लीजिएगा, इसमें लगा है, ये लीजिए सर। तो चलिए जी, ऐसा है, हाँ बताइए आप क्या प्रेजेंट। देखिए ऐसा है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको खुले चालू हुआ अभी 15 साल हुए, वो 15 साल में हमारी कैपेसिटी इतनी हमने रखी है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे सिचुएशन को देखते हुए इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं है, हम कहीं और प्लांट करें या कुछ और करें, उससे पहले हम जो हमारे प्लांट हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक तो जाए ना सर, मेरा ऐसा सोचना है। अच्छा तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, इस बारे में मैं ये कहूँगा, उस बारे में क्या कहेंगे, उस बारे में भी वो कहूँगा, अब आपका टेक्निकल मैटर फाइनेंस जो है वो, तो ठीक है सर, आपने और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ मेरे को से आपसे एक मेरा क्वेश्चन था जी सर, हम बताएं सर जी आप सर एक्सक्यूज मी एक मिनट, सर ने पूछा ना, मैं इनका जवाब दे दूँ फिर आप पे आता हूँ ना, ठीक है, आपका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन पहले देखिए सर मैं आपके क्वेश्चन पर ये कहना चाहूँगा, अब जिसने पूछा ना टारगेट उस पर सीधा नज़रें उससे मिलेंगी, बात उसी से होगी, और यदि बीच में किसी ने टूटा करी, एक मिनट सर प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं उनको कर दूँ कंप्लीट, फिर बता रहा हूँ ना आपको, आप प्लीज़ एक मिनट। हाँ सर तो मैं आपको बता रहा था, बता दिया क्लियर। हाँ अब आपका पहले एक मिनट, आप पे आ भी आ रहा हूँ, आपका क्वेश्चन देखिए आपसे मैं एक बात ही कहूँगा, आपका क्वेश्चन क्लियर। हाँ अब आप बताइए क्या कह रहे थे, फिर से रिपीट करिए, आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया था। अच्छा अच्छा ओके सर, और कुछ ना सर, थैंक यू सर, ओके रिलैक्स सर, सर मिलते चाय पियेंगे,
अरे सर, आप लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिल जाए उससे बढ़िया क्या है। चाय तो एक बहाना, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी, जान पहचान भी हो जाएगा। पी लूँगा सर, वैसे यूजली मैं पीता नहीं हूँ लेकिन पी लूँगा। दैट्स ऑल, ताली तो बजा दीजिए एक बार। ये है कॉन्फिडेंस, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ओके सर, निकलता हूँ। अब आप निकले, आराम से गए और कोई दिक्कत नहीं। वही सिचुएशन हमने दो बार बताई, वही की वही सिचुएशन। इस बार हमने क्या किया, क्या नहीं, क्या हमारी बॉडी तो वहीं थी, हमने क्या नहीं आने दिया, डर। और डर नहीं आया तो क्या नहीं हुआ, माइंड सीज नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, स्विच ऑफ नहीं हुआ, पूरा का पूरा चार्ज हमारे पास में रहा, पूरा का पूरा। हमने आंखों में देख के बात करी सामने वाले की, हमने कोई बदतमीजी नहीं करी। वो कहने लगा आप लेट हो गए, हमने कहा नहीं हम लेट नहीं है। वो कहना तो पहले दो तीन लोग चले आ चुके हैं, गैप आ गया, आपका नंबर पहले, नंबर पहले तुमने कर दिया, उससे क्या, हमें 2 बजे बुला लेते, 1 बजे बुला लेते, हमें क्या, हमें 3 बजे का टाइम दिया, 3 बजे आ गए। बल्कि तीन, सॉरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 मिनट पहले आ गया मैं, मुझे तो 3 बजे एंटर होना चाहिए था। सामने वाले बजे, अच्छा जी सर, एक एक मिनट की वैल्यू है मेरे, गजब। उसे कहा वाह यार, हम कह रहे हैं तुम लेट हो गए, तुम कह रहे 2 मिनट पहले एंटर होना चाहिए। अजब आदमी यार ये, थोड़ा सा लग भी सकती है, लेकिन ये समझ में आएगा कि आदमी बंदा सही है यार। कल एक सर मिल गए थे बाहर, परसों उनके घर गए, उनकी मदर को हम लोग ने बहुत सारी नेचुरोपैथी की दवा से हम ठीक कर देंगे उनको, बहुत पैरों में दर्द उनकी मदर का। वाइफ ने भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम बताई, तो उनकी वाइफ का ही फ़ोन था, मुझसे दूसरा इलाज वगैरह पूछ रहे, तो बस ख़त्म बात। अब हमारा डर आया नहीं, कॉन्फिडेंस हमारा लूज नहीं हुआ। बस कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि जब हम प्रेजेंटेशन दें, पोडियम पे दें, तो रिलैक्स होकर जाएं, और जाने से पहले पूरी तैयारी कर लें। तैयारी कितनी, बस कि बैग में सब सब कुछ है कि नहीं। माइंड का मत तैयारी करिए, याद मत करिए कुछ भी। अब तो जो है माइंड में वो है, 2 दिन में कुछ हम नहीं सीख लेंगे, जो आता है वो बता देंगे। और जो नहीं आता, उनने पूछा सर वो ये जो आपका क्वेश्चन आपने पूछा वो फाइनेंस से रिलेटेड है, और मैं फाइनेंस में नहीं हूँ, मैं थोड़ा टेक्निकल का आदमी हूँ, और फाइनेंस के बारे में हमारे यहाँ गुप्ता सर हैं या चौधरी सर हैं, मैं उनको ये कंसल्ट करके आपको मेल करता हूँ इसका आंसर, या मैं आपको डायरेक्ट चौधरी सर से बात करवा दूंगा, ये फाइनेंस का मैटर है, इस बारे में कुछ। हाँ नहीं सर, वो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, जो जिसका डिपार्टमेंट होता है वही संभालता। आप मुझे क्वेश्चन बता देते तो मैं इसका आंसर पूछ के आता आंसर, आप अभी मुझे क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, मैं उसका आंसर आपको मेल करता हूँ चौधरी जी से पूछ के, दैट्स ऑल। हमें जो नहीं आता नहीं आता, नहीं आता इसलिए क्योंकि वो हमारा से उससे कंसर्न नहीं है, और जो हमारे से जिसका कंसर्न है वो हमें सब कुछ आता है। पूछ के देख लीजिए आप, आगे से भी लीजिए, पीछे से भी लीजिए, कहीं से भी पूछ लीजिए, क्योंकि हमने आपने इतने साल जिया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो हो ही नहीं सकता कि नहीं आता हो। बात ये थी नहीं कि आता है कि नहीं आता, बात तो ये थी कि प्रेजेंट कैसे करते हो, जो आता है उसको, तो उसको आता है तो प्रेजेंट करने के लिए आप क्या मत आने दो, ये डर को मत आने दो, ये डर आना चाहिए। अभी हम लोग गाड़ी से गए, नीचे उतर रहे थे खाई में, यहाँ से ऐसा टर्निंग हो रहा था, तो डर थोड़ा आना चाहिए, डर अलर्टनेस आता है, वहाँ डर जरूरी है, लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम पे काहे का डर, नहीं डरो, रिलैक्स। कोई बोले कि नहीं तुमको हम नहीं रखेंगे, इंटरव्यू में गए सोच के जाओ कि नहीं रखेगा मत रखना यार भाई, तू रखेगा तेरा फायदा होगा, नहीं रखेगा तो मेरे को कहीं और जाना है, शायद मेरी जगह कहीं और है, ये है ही नहीं, दैट्स ऑल। मैं तो इसी बात पर मान के चलता हूँ, बस क्या दिक्कत है। मतलब सर एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं लेना चाहिए फिर, जैसे जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन किया आपने, उसका मैंने आंसर जवाब दे दिया, आपको नहीं पता एग्जैक्टली, मैंने कहीं किसी फील्ड में ट्रेनिंग किया उसी को उठा के क्वेश्चन कर दिया आपको, मेरे को पता मिली सेकंड में पता चल गया मैंने गलत जवाब दिया, नहीं सर इतना ही होता है। वो आप देखना कभी रेलवे स्टेशन में जाके इंजन के सामने ना 15,000 वोल्ट लिखा रहता है सर उसमें इंजन, दो लोग बात करने लगे, लिखा तो रहता है एग्जैक्टली 15, लेकिन 15,000 ज्यादा लग रहा है, नहीं सर लिखा रहता है मेरा, मुझे पता चल गया 1500 होता है लेकिन मैंने 15,000 निकल गया मेरे, सर लिखा रहता है गलत हो गया था। लेकिन क्या है जैसे इन्होंने बताया गलत हो गया, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया था कि इनने बोला और उनने मान भी लिया। अब केवल एक ही चीज़ इनको गलत साबित कर सकती है, जब वो कभी स्टेशन पे जाएंगे और उनको रिमाइंड ध्यान रहा कि नहीं उसने 15,000 बोले थे और ये 1500 निकला, तो वो इनकी गलती है हो गई उसमें। कभी मिले रस्ते में कि सर अरे मिल गए आप, आज का आजकल काहे में आ गए, आप तो हमारे इंटरव्यू देने आए थे, अच्छा उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हाँ हाँ तो आजकल कहाँ NHPC में, वहाँ भी झूठ बोल रहे क्या, क्यों सर
नहीं आपने बोल दिया था हमारे यहाँ कि आपने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला था कि 15,000, हमने तो देखा हम 1500 लिखने लगे। अरे सर वो 15,000 ही है, वो गलती से 1500 लिखा गया वहाँ पे। तुम नहीं सुधरोगे यार, सर जो बोल दिया सो बोल दिया, अब 15,000 ही रहेगा और मैं अब रेलवे से लड़ाई लड़ता हूँ, मैं 15,000 लिखवा के आता हूँ क्योंकि मैंने बोल दिया। ये भी अलग एक एटीट्यूड है, ये भाई लोगों का एटीट्यूड है ना, जो हमने कह दिया तो कह दिया। वो शोले फिल्म का एक डायलॉग सुना आपने, आपकी बात पे बताऊँ, शोले फिल्म का एक डायलॉग था, दोनों ट्रेन में जाते रहते हैं और संजीव कुमार खड़ा रहता है तो बोले कि वो धर्मेंद्र बोलता है कि अरे क्या डायलॉग था, तो वो उसका अमिताभ बच्चन उसका जवाब दे दिया, अरे अब तूने बोल दिया है तो देख लेंगे, ऐसे करके वो जवाब देता है कि यदि कुछ कमिट कर ही लिया है तूने तो देख लेंगे यार, हो ऐसा भी करके दिखा देंगे। तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन ऐसा यूजुअली हमेशा तो नहीं होता है। हाँ कभी हो भी जाए तो थोड़ा मजाक मजाक में चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ जो आप बात बोल रहे हैं वो भी आपने बोल दी, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका दिल तेज़ी से धड़क नहीं रहा होगा। यदि तेज़ी से धड़क रहा है तो सामने वाला पकड़ लेगा। मुझे तो पता चल गया था ना, सब हाँ गलत बोल दिया। हाँ गलत बोल दिया, लेकिन फिर भी आप डरे नहीं। सब लोग मुझे नहीं लगा हाँ रेलवे साइड से होंगे कहीं। वो 20 साल पहले की बात। हाँ हाँ बोल दिया हाँ 15 ही दिखा। वो बात है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस यदि होगा ना तो कभी कभी आपका झूठ भी सच जैसा लगने लगेगा, जैसे इनके साथ हुआ, झूठ भी सच जैसा लगा। लेकिन झूठ सच जैसा लगने लगा वो एक अलग बात है, पर सच तो सच जैसा लगेगा ही ना भाई। ये एक रेयर केस में इन्होंने जवाब दिया कि झूठ मैंने बोल दिया, पर वो इस कॉन्फिडेंस से बोला कि वो लगा ही नहीं कि मैंने झूठ बोला, सच हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चलो झूठ तो सच लगने लगा भाई मेरे, लेकिन सच यदि बोलोगे आप तो फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर कहाँ से डर आ जाएगा। तो मैं टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सच को सच रखना है हमें, तो बस झूठ को सच बनाने वाले हम हैं भी नहीं, और उस लेवल पे होंगे अब देख ले जाएगा। मैंने कई बार झूठ को भी सच बना के देखा है, हो जाता है ऐसा। एक बार मेरे साथ भी ऐसी हुआ जो आपके साथ हुआ, मेरे एक कज़िन है वो जब हम लोग मैं छोटा था थोड़ा, मतलब वो कॉलेज में पढ़ता था मेरा कज़िन, आज वो BHL में है वो भी, तो वो कॉलेज में पढ़ता था, तो उसका छोटा भाई का भी एडमिशन उसी कॉलेज में हो गया, सेम कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। दोनों भाई एक ही कॉलेज में था, एक फाइनल ईयर में था एक फर्स्ट ईयर में था, 2 साल का गैप था दोनों में। तो वो फर्स्ट ईयर वाला जो है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बात करके चला गया, और बड़े भाई को मालूम पड़ा कि छोटे वाले को कोई रैगिंग हो रही होने वाली है, और वो सेकंड ईयर के लड़के उसको उठा के लेके गए छोटे वाले को, तो वो लोग ढूंढने निकल गए फाइनल ईयर स्टूडेंट छोटे भाई को, कहीं मिला ही नहीं, वो मिला ही नहीं। तो उनने क्या किया, एक एक के घर जाके देखा, और घर जाके लड़कों को उठा के लेके आए कि कहाँ है वो, कहाँ है, सोनू नाम था छोटे वाले का, सोनू कहाँ, सोनू कहाँ। एक दो को थप्पड़ भी मार दिया उनने सेकंड ईयर वालों को, फाइनल वालों ने। अगले दिन सुबह सोनू भाई घर आ गए अपने आप के लिए, हम लोग तो ग्रुप स्टडी के लिए गए थे तो फ़ोन बंद कर दिया था, तो उसने उसको भी मारा एक, कहला पागल हो गया हम रात भर तेरे को ढूंढते रहो, और उस चक्कर में तेरे सीनियर को हमने 2-3 को ठोक दिया, अब इतना बड़ा मैटर हो गया। सीनियर जो सेकंड ईयर वाले थे उनने अपनी कमेटी बना ली कि होंगे सीनियर तो होंगे, हमको कैसे ठोक दिया आगे, हमने उठाया ही नहीं उसको, हमने रैगिंग भी नहीं ली, हमें ठोक दिया आगे, हमारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। उसने मुझे बताया कि शैलू दादा, शैलू नाम है मेरा, शैलू दादा ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अब बड़ा पंगा हो गया। मैंने कहा रुको मैं जाता हूँ, मैं बिल्कुल गया, मैं बिल्कुल ऐसे गया जैसे कि मान लीजिए मैं कोई कलेक्टर ही हूँ बिल्कुल, और मैं बिल्कुल कलेक्टर की ड्रेस अच्छी कपड़े पहन के, मैंने कहा एक मिनट इधर आओ, अतुल नाम था उसका, अतुल इधर आओ खड़े हो यहाँ पे, और आपका क्या नाम है दूसरे सेकंड ईयर वाले, आप आइए। और मैंने दोनों के बीच में बात कराई, इनका यार देखो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है यार, एक ही कॉलेज है, कैसे बच्चों से लड़ रहे हो यार तुम लोग, अब क्या मारपीट शुरू करोगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, यदि किसी ने भी कोई ऐसी हरकत करी और उसका नाम आ गया, गलती किसकी मन में नहीं जानता, लेकिन नाम आ गया, अननेसरी करियर खराब हो जाएगा तुम लोगों का, माँ बाप तुमको इसलिए भेजते हैं क्या, ऐसे करके बिल्कुल सीनियर बन गए जैसे मैं ही माँ बाप हूँ। और चलो अतुल इधर आओ, सॉरी बोलो इनको, भैया आओ तुम्हारे, सॉरी गले लगो इनको, वो लड़का है तो खड़ा हुआ था उनके जो गुस्से में था, सॉरी बोलो। अतुल बोला अरे यार भाई वो उसको गलतफहमी होगी मेरे भाई की। मैंने कहा सुनो तुम सीनियर वाला, तुम भी इसको तुम भी सॉरी बोलो खड़े हो, सॉरी यार भाई गलती हो गई। उसने भी ऐसे गले लगा, मामला खत्म हो गया। जब मैं आ गया तो बोला आपने अच्छा संभाल लिया, मैं वहाँ एक्टिंग कर रहा था क्योंकि मैं वहाँ, मुझे मालूम था कि बहुत भयंकर बड़ा झगड़ा भी हो सकता है, तो मैं एक ऐसा रोल प्ले कर रहा था कि जैसे मैं कोई कलेक्टर हूँ कमी का, या कमिश्नर हूँ, या कोई बहुत शिक्षा मंत्रालय में अच्छी पोस्ट में हूँ जो इनका करियर ख़राब कर दूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे ये कॉन्फिडेंस भी काम आया मेरे, तो वो कॉन्फिडेंस ही था जो आपने भी बोल दिया, मैंने भी ये सब कर लिया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है, उसी की वजह से मैं आज ये ट्रेनिंग लाइन दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना सब कुछ बोल पा रहा हूँ। और
बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। अभी हमने एक सीन देखा था कॉन्फिडेंस के ऊपर, एक सीन और मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्फिडेंस के ऊपर ही, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात और बताऊँ कि कई लोग होते हैं जो नाचते तक नहीं है, जो गाते तक नहीं है, वो सोचते हैं हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमें गाना अच्छे से आता नहीं है तो हम गाएँ क्यों, गाते ही नहीं। लोग जाते हैं पिकनिक में, अरे गाओ ना गाना, नहीं मुझे आता ही नहीं है ना, मुझे आता ही नहीं, कोई सा भी गाना नहीं आता, कैसा आता वो सुना दो, आते ही नहीं है, एक लाइन भी नहीं आती। किसी की शादी में गए, अरे डांस तो करो, नहीं नहीं भाई। कुछ लोग आपने देखे होंगे डांस करते ही नहीं, जनरेटर के पास चलते रहते पीछे, बारात में हमको पकड़ कर नचाएंगे तो बारात के पीछे ही चलते हैं बिल्कुल, वो आगे नहीं आते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आते हैं और ऐसा डांस करते हैं, बड़ा अजीब सा डांस करेंगे, गिर गिर के डांस करेंगे आपके ऊपर, और ज़्यादा पी लेंगे कई लोग तो, पी पी के डांस करते हैं, उनको ये परवाह नहीं होती कि हम कैसे लग रहे हैं, वो तो बस मस्ती रहते हैं, डांस करते हैं। मैं अच्छा, हर शादी में देखना आप, हर शादी में कोई ना कोई नागिन जरूर निकल के आती है। मैं एक शादी में गया, वहाँ भी नागिन निकल आई, एक लड़का था राजा, उसने यूँ रुमाल निकाला, उसको रुमाल को ऐसे ऐसे घुमाया और उसको मुँह में पकड़ा, बैंड वालों से कहता बजाओ। बैंड वाले जानते हैं कि हर मोहल्ले में एक ना एक नागिन निकल ही आएगी यार, वो पहले से तैयारी करके जाते हैं अपने बैंड में नागिन धुन बना कर, और उनने टू नू 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 बजाना शुरू करी। अब वो तो बन गया सपेरा, मैं देख रहा था शादी में, दिल्ली में शादी थी, मैं देख रहा कि सपेरा तो आ गया, नागिन किधर गई, नागिन तो अभी तक आई नहीं। तभी बीच में से निकल के एक मोटे से अंकल आए, बिल्कुल मोटे रखे, वो काफ़ी 100 किलो वजन होगा उनका, और वो यूं करके नागिन बन गए। मैंने कहा अरे बाप रे इतनी मोटी नागिन। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो वहाँ के विधायक थे। अब विधायक नागिन बन गया, समझो सोचो मुश्किल हो। जो लड़का था दुबला पतला, उसका नाम था राजा, अब वो नाच रहा है और वो नाचते नाचते वो नागिन जो है इतनी तेज नागिन की, वो राजा जो दुबला पतला ना उसको ढूंढ ढूंढ के काटे, काटने के लिए ढूंढे। मैंने कहा भैया सुन, ये नागिन तेरे कंट्रोल में नहीं आई यार, तुमको नागिन बनना चाहिए था और उसको सपेरा बनाना चाहिए था, वो मोटे आदमी को सपेरा बनना था राजा। मैंने कहा तुम ना, बोले नहीं नहीं वो यहाँ के विधायक हैं, पता है नागिन तो अपना रोल तो वही प्ले करेंगे, अपन को तो सपेरे का रोल मिला है, वो पहले से उनने बोल दिया था कि तू सपेरा बन जाना, मैं नागिन बनूंगा। अरे बाप रे, मैंने कहा नागिन तैयारी में आई है, और वो नाचते 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 वो अंकल जो था ना पीछे को हुए एकदम गिर गए, सच में गिर गए, वो मतलब वो मजाक में नहीं गिरे, सच में गिर गए। तो उनने सोचा होगा कि अरे बर गिर गए, तो वो रोड पे टांगे उठा के उसे डांस करने लगे, गिरे में भी लोग करके वीडियो बना रहे कि देखो आदमी का ये भी स्टेप है शायद, है ना गिरने का वाला भी। और फिर वो उठाया, लोगों ने उठा, यूं करके कपड़े झाड़ते हैं, कहते वो तुम्हारा बैंड वाला कमजोर है, नहीं तो बहुत मजा आता। लोग कई लोगों को बैंड वाला ही कमजोर लगने लग जाता है, मतलब इतने स्मार्ट है कि तुम्हारा बैंड वाला कमजोर है। तो ये देखिए आप क्या होता है शादियों में, अक्सर ऐसा हो जाता है शादियों में, कई लोग होते हैं नहीं नाचते, जनरेटर के पीछे चलते हैं, और कई लोग इस बात की परवाह ही नहीं करते कि तुम हमें देख के क्या सोचोगे। एक बात सुन लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा डर जो है ना वो है कि लोग हमें देखकर क्या सोचेंगे, लोग हमें देख के क्या सोचेंगे, इसी बात में मरता रहता आदमी। वो सोचने वाला कुछ सोच ही नहीं रहा, और वो सोच भी लेगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम भी तो उसके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। बल्कि ये सोचे कि तूने यदि मेरे बारे में कुछ सोचा ना, मैं तेरे बारे में कुछ उससे ज़्यादा सोच लूँगा। क्योंकि सोच पे हमारा भी किसी का कंट्रोल थोड़ी है, हम भी सोच लेंगे। मत सोचो ये बात है कि लोग हमें देखकर क्या सोचेंगे, मत सोचो। हमारे साथ में एक लड़की थी प्रीति नाम की, है ना, कि अगर लोग हमें देख के क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। हाँ हम ही सोच लेंगे, तो फिर हम सोच लेंगे तो वो सोचेंगे क्या, फिर उनके सोचने का तो स्पेस दे दो भैया, उन्हें सोच लें दो। हमारे साथ में एक प्रीति नाम की लड़की थी, जब भी हम पिकनिक पर जाते थे ना तो प्रीति गाना जरूर सुनाती थी, और हम लोग सारा ग्रुप कहते थे सुन भाई प्रीति, पिकनिक पे तो चल रहे हैं अपन, लेकिन तेरा गाना झेलते नहीं बनता यार, तू ये जगजीत सिंह का गजल सुनाती है ना, कहाँ जगजीत सिंह यार, और तू कहाँ प्रीति, वो गाते हैं ये दौलत भी ले लो। वो जगजीत सिंह जैसा 15-15 घंटे रियाज करने वाला वो आदमी नीचे से गाता है, क्योंकि गाना बहुत ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और प्रीति स्टार्ट कहाँ से कर रही, ऊपर से, ये दौलत भी ले लो। मैंने कहा बाप रे, तू ऊपर ले जाएगी वो गाना कहाँ जाएगा, मगर मुझ को लौटा दो बचपन का सावन, ऐसा लगता था प्रीति गला अपना दबा रही कि हमारा गला दबा रही, मेरे तो सुनाई नहीं दे रहा भैया मत। लेकिन प्रीति हर बार जाए और हर बार ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, सुना के ही मारे हम लोगों को। वो कही मैं तो सुनाऊंगी तुमको, और हमने कहा मत सुना, तो कहे सुनो शैलेंद्र मैं तो सुनाऊंगी, तुमसे सुनते बनते बन सकता हो तो सुनो, नहीं तो ये जो नदी बह रही है ना, नदी यहीं पास में, इस नदी में डूब के ही मर जाओ, वो मर जाओ। जब भगवान के घर जाओ ना तो भगवान जी से बोलना कि अगले जन्म में भगवान जी प्रीति को अच्छी आवाज़ दे। अब भगवान ने मुझे जैसी आवाज़ दी, मैं वैसे दिए, मैं क्या करूं, मैं तो गाऊंगी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम मुझे नहीं झेल पा रहे, तो तुम नदी में डूब के मरो, मैं क्यों मरूं, तुम मरो नदी में डूब के। आ हा हा,
क्या बात बोल दी प्रीति ने, ताली बजा दीजिए एक बार प्रीति की बात पे। आप भी ये बात ध्यान रखिए, ध्यान रखिए कि यदि आप जैसे भी हैं, ये जो आपकी बॉडी है ये आपने नहीं बनाई है कि जो आप सोचो कि गलत बन गई। आप कोई मिट्टी के बर्तन नहीं है कि जो आपके पिताजी ने आपको ऐसे ऐसे करके बनाया और उसमें जान आ गई, ऐसा नहीं। ये भी ईश्वर ने बनाई। तो हमारे बाल यदि कम है ईश्वर की मर्जी, ज़्यादा है वो सब उनका। मुंह काला है, सफ़ेद है, गोरा है, दांत छोटे हैं बड़े हैं, कान बड़े हैं छोटे हैं, क्या हुआ? हैं तो हैं। एक आदमी उससे कहता, सर आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? मैंने कहा, मुझे सब जब से मैं इस बात में टेंशन में हूँ, तेरे इतने छोटे छोटे कान का क्या करेगा तू? तो भाई किसी के बड़े हैं तो किसी के छोटे हैं, ये क्या बात है? ये तो गलत बात है। अब अमिताभ बच्चन इतना लंबा क्यों है? जया भादुड़ी इतनी छोटी क्यों है? दोनों को काटो एक एक फिट, इसका इसमें ठोक दो, इसका उसमें ठोक दो, बराबर दोनों आठ आठ के हो जाएंगे यार कम से कम। ये तो गलत है ना यार, जो जो है वो है, उसमें क्या टेंशन लेना। बॉडी शेमिंग पे लोग मरते हैं, अरे शेमिंग काहे की? ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। हम लोग केवल इंसान ही जो हंस सकते हैं, जो मुस्कुरा सकते हैं। पृथ्वी पर कोई जानवर हंसने की औकात नहीं रखता ना हंस सकता। आपने कभी किसी कुत्ते को हंसते हुए देखा? नहीं। घर के पले हुए कुत्ते जो बहुत ट्रेंड है, वो भी हंस नहीं पाते। एकाध केस कहीं हुआ हो करोड़ों में लाख में तो बात अलग, लेकिन गधे तो हंसते नहीं, घोड़े तो हंसते नहीं, हम हंस पाते हैं। तो हम हंसे तो, अब यदि हम भी नहीं हंसे, कई लोग को देखना हंसते नहीं, उनको चुटकुला सुना नहीं हंसेंगे, हमें ट्रेनिंग में आते हैं ऐसे देखते रहते हैं। हम लोग भी कहते हैं, सुनो पैसे तो उतने मिलेंगे, यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो बिना हंसने वाले भूत टाइप के हैं, जैसे ना उन्हें हिंदी आ रही ना उन्हें इंग्लिश आ रही। तो मैं सोचता हूँ चलो एक काम करता हूँ, अमिताभ बच्चन वाला सीन लगा देता हूँ। फिर कभी कभी क्या होता है, वो बेचारा अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार भी उन्हें नहीं हंसा पाता। तो हम कहते हैं, भैया अब अमिताभ ही नहीं हंसा पाया, हम कहाँ से हंसाएंगे, निकल लो चुपचाप। हंसते ही नहीं कई लोग, बिल्कुल हंसने पर ताला लगा रखा हुआ। एक बात सुन लीजिए, जो नहीं हंसेगा ना वो बिना हंसे जिएगा पूरी ज़िंदगी, मैंने आपको बताया था शायद, उसका मरने के बाद भूत बनना तय है, क्योंकि वो यहीं भूतों जैसी ज़िंदगी जिया ना भाई। हम उसको हंसा रहे, वो नहीं हंस रहा है, वो मुस्कुरा नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? वो भूत है, वो पास्ट में ही जी रहा है, वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ टेंशन में है। टेंशन पास्ट से ही आता है, वर्तमान में कभी कोई टेंशन नहीं होता, होता ही नहीं। वर्तमान में दर्द होता है और दर्द को डॉक्टर या कोई भी जरा में ठीक कर सकता है, टेंशन पास्ट से ही आता है। तो पास्ट में जीता रहेगा, वो सोच रहा हंस नहीं रहा। तो जो लोग हंसते नहीं, हमारी टेंशन हो जाती है, हमारी टेंशन हो जाती है। हम लोग ये जज कर लेते हैं कि इस ग्रुप में एक भी हंसने वाला, हाँ लेकिन एक बात है, कभी कभी 40-50 लोगों का ग्रुप होता है, दो लोग खूब हंसते हैं, तो हम पूरी ट्रेनिंग उन दो को देख देख के निकाल देते हैं। उन्हें ही हंसा हंसा के निकाल देते हैं, पूरी दो ही पूरी गाड़ी खींच के ले जाते हैं, लेकिन दो तो मिले भाई कम से कम, है ना। कभी कभी होता है कि जो नहीं मिले, नहीं तो अक्सर मिल जाते हैं लोग बाग। एक दो बार मणिपुर में हमारे साथ जरूर ऐसा हुआ, क्योंकि उन्हें हिंदी आ नहीं रही ढंग से, उन्हें इंग्लिश आ नहीं रही ढंग से, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, और हमने कहा अरे बाप रे ये तो बड़ा मुश्किल चल रहा है, बड़ा बढ़िया ट्रेनिंग हुई। लेकिन जब लास्ट में उन्होंने फीडबैक दिया तो फिर साहब जी लोग ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग करा, हमको बहुत मजा आया। तो मैंने कहा मजा आया तो हंसा क्यों नहीं, हंसा तो एक बार भी नहीं। कहा नहीं, हम लोगों का क्या है यहाँ पे कल्चर में हंसने का नहीं है। नहीं नहीं भाई भाई नहीं नहीं कर हम लोग इन लग दे, समझ गए आप? तो ज़्यादा से ज़्यादा हंसिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराइए, ज़्यादा से ज़्यादा आनंदित होइए, और जब ज़रूरत पड़े रोने का वक्त आए लाइफ में तो रो भी लीजिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोइए, आंसू बहा बहा के रोइए। हमारे लेडीज जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है रोने में, एकदम मास्टरपीस। पड़ोस के पड़ोस के पड़ोस के कोई पिताजी मर गए उनके, जिनको हमारी वाइफ और लेडीज ने देखा भी नहीं है, फिर भी उनके घर जाके ऐसे रोएंगी, ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोएंगी कि मत पूछो। बोला हमारे घर में एक रिश्तेदार है, उनकी डेथ हो गई, तो उनके यहाँ जो लेडीज आई आसपास से वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रही, तो जिनके घर का मरा हुआ ना वही देख रहे कि ये औरत क्यों रो रही है भैया, मरे मेरे पिताजी और ये इतना दहाड़े मार मार के क्यों रो रही है भाई, इसे क्या हो गया है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। तो रोइए कम से कम, जम के रोइए जब मौका मिले तो। हाँ मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन ये कि आपने घर में आसपास में ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन होता है अवसर मिलता है ऐसा तो जम के रोइए। और यदि नहीं रो पाते हैं, आप रोने का एक नियम बना लीजिए, टाइम बना लीजिए कि आज सैटरडे को 8 से 9 बजे तक मैं रोऊंगा, रोने का टाइम। रियली मैडम करके देखिएगा, सैटरडे चुन लीजिए 8 से 9
रोऊंगा मैं जम के। और सैटरडे के दिन जैसे 8 बजे अपने वाइफ को बोलिए मोबाइल बंद कर दिया मैंने, ठीक है ना, दरवाज़ा भी बंद कर लो, कोई सैटरडे ही है आज, 8 से 9 थोड़ा टाइम लेट इसलिए रखा मैंने, नहीं तो सब यहीं रोने लग जाएंगे अभी हाल है ना। हैं ये आप अपने बारे में बता रही, लेकिन आप दुनिया को जानती नहीं है, दुनिया लाख तरह के रोने भरे बैठी हुई है भाई। एक आदमी यदि टेंशन में है, सुनिए सुनिए, और ऐसे रहता उदास गुमसुम, मतलब पता है क्या है, मतलब यह है कि वो अंदर से बूंद बूंद करके रो रहा है, बूंद बूंद। मैंने आपको बताना भूल गया, सेंटेंस पूरा नहीं हो पाया इसलिए समझ में आया कि जो आदमी रोता है, जो औरतें रोती हैं ना जब कोई जोर से किसी भी दहाड़े मार के रोती हैं किसी भी, तो औरतें एंटीबायोटिक की तरह रोती हैं, धड़ाधड़ 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 5 दिन में सब खत्म, और आदमी रोता होम्योपैथिक की तरह, एक एक गोली धीरे धीरे चूसता रहेगा। वो जो चूसने वाली गोली आती है ना उसको भी मुँह में डालेगा, उसको भी चबाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं चबाएगा वो, उसको चूसेगा। अब सोचो इतनी सारी बॉटल में कितनी गोलियाँ भरी हैं, कब तक चलेगा उसका ये रोना है, उसका रोना तो लंबा कर दिया ना उसने। तो ऐसे बहुत लोग हैं मैडम जिनके अंदर रोना भरा हुआ है, मैं उनसे कहता हूँ आप क्या करो, बात जाओ और अपना तैयारी करो, बाथरूम में जाओ, शावर ऑन करो, बीबी को पहले से बता जाओ मोबाइल मत खोलना, कोई आए तो कहना साहब नहीं है, हो गए गाड़ी बाहर खड़ी है तो कहाँ खड़ी है ना वो, घूमने का है पैदल बिना गाड़ी के, घर में है ही नहीं बोलना नहीं, ठीक है। और सुनो मेरी रोने होने की आवाज़ आना तो घबराना मत, वो शैलेंद्र जी आए थे उनने कहा था कि रोने की एक्टिंग करनी है तो मैं रो रहा हूँ, ठीक है। अब जाइए आप शावर ऑन करिए, बिल्कुल पानी मिक्स करिए और फिर याद करिए अपने पुराने दिन, वो हमारे टीचर ने हमको कितना मार दिया था, वो सारी ऐसी एक्टिविटी याद करिए जो सब रोने वाली थी, उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर लिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कह दिया, उन्होंने मेरे को वैसा कह दिया, फिर बीबी ने मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा कह दिया, बच्चे मेरे को क्या क्या बोल देते हैं और ये और वो, सारी चीज़ें याद करके रोते जाइए रोते जाइए। नहीं आ रहा रोना तो भी याद करिए, आ रहा हो तो आने दीजिए, आ रहा होगा तो बहुत अच्छा, थोड़ी देर में पता चला आंसू खत्म हो गए, पानी तो अभी भी आ रहा है, पानी खत्म नहीं हुआ, आप बंद करिए नल को, अच्छा लगने लगा। अब आप बड़े मज़े से बाहर जब आएंगे, जैसे ही आप बाहर आए और आपकी वाइफ ने कहा सुनो, हाँ क्या, वो चौकसे जी है ना, हाँ उनकी मदर नहीं रही, अरे यार थोड़ा पहले नहीं बता सकती थी यार तुम, तो अभी नहीं रही तो पहले कैसे बता देती, चलो कोई बात नहीं अगले सैटरडे उनके लिए रो लेंगे। ये एक टेक्निक बहुत बढ़िया टेक्निक, ये मेरी प्रूवन टेक्निक है, एक ये मतलब अजमाई हुई टेक्निक है, ऐसा कर लेंगे आदि आप तो आपको अननेसरी टेंशन में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। बहुत से लोग गोलियां खा रहे हैं टेंशन की वजह से, उनको स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, उनका बीपी बढ़ गया, वो बीपी की गोली खाने लगे और बीपी की गोली खाने की वजह से उनकी किडनी ख़राब हो गई। अरे लो हम बदना आसान टेक्निक बता रहे हैं, ना ने जाओ रो लो रोना जितना, ना बीपी बढ़ेगा ना किडनी खराब होगी ना कुछ और होगा, रिलैक्स और हफ्ते में एक दिन बांध लो, नियम बना दो। उससे होगा क्या, हमको बिना कारण के रोना आ जाएगा, बिना कारण के दुखी रहना आ जाएगा, अकारण अकारण दुखी रहना आ जाएगा। ध्यान से सुनिए सेंटेंस अब पूरा होगा, अकारण दुखी रहना आ गया तो अकारण खुश रहना भी आ जाएगा। तो जो आज साधु महात्मा स्वामी संत बोलते हैं कि बिना कारण खुश रहो, मैं समझ में नहीं आता कैसे रहें, वो थोड़ा गलत बोल जाते हैं। उनको ये बोलना चाहिए कि बिना कारण दुखी हो, जब दुखी होना आ गया तो फिर बिना कारण खुशी होना अपने आप आ जाएगा। बच्चों से हम बोलते हैं साइकिल चला रहे हो तो जरा चढ़ाई पर चढ़ो, चढ़ाई पर चढ़ो, चढ़ाई चढ़ ली बच्चे ने तो वहाँ से पलट के साइकिल अपने आप नीचे आएगी, उतरना आसान होगा चढ़ना मुश्किल होता है। तो दुखी होना आ गया तो खुशी होना तो फिर अपने आप आ जाएगा, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि दुखी होने की सांस क्या है, खुश होने की सांस क्या है, डर की सांस क्या है, कॉन्फिडेंस लो होने की सांस क्या है। तो हम वो सांस ले ही ना, नॉर्मल सांस लें। तो हमने क्या किया, जो सेकेंड यहाँ पर इंटरव्यू दिया, सेकेंड इंटरव्यू के टाइम आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, मैं जब पहले इंटरव्यू में मैंने जो इतना घबराहट की एक्टिंग करी वो क्यों हुई, क्योंकि पहले वाले इंटरव्यू में मैंने डर वाली सांसें ली और दूसरे वाले इंटरव्यू में रिलैक्स, सांस पे ध्यान दो, सांस पे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन पे जा रहे हो सांस पे ध्यान दो, पोडियम पे जा रहे हो पोडियम पे जाओ सांस पे ध्यान दो, सांस पे, सांस रिलैक्स रखना, सांस रिलैक्स रखना। आप सभी को नमस्कार, सांस पे ध्यान दो, रिलैक्स। आज 26 जनवरी का दिन है, हालांकि मुझे गाना आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक गाना सुनाऊंगा, गाना सुनाओ कोई सा भी,
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हाँ और घुमा दीजिए, और घुमा दीजिए, हाँ बस थैंक यू। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इसका पहला स्टेंजा क्या था किसी को याद है? चलिए ठीक है, अभी इतना ही सुनाता हूँ मैं। हाँ लेकिन एक बात सुन लीजिए, 15 अगस्त के दिन मैं एक और गाना सुनाऊंगा और पूरा सुनाऊंगा, ठीक है ना? मैं जरूर आऊँगा। दैट्स ऑल, आप जाइए सांसों पे ध्यान रखिए, पोडियम हो चाहे स्टेज हो चाहे कहीं भी हो, सांस डर वाली मत लेना। यदि डर वाली सांस ली, इमीडिएटली आपका डर आपका माइंड सीज कर देगा, टांगे कपने लगेंगी, चक्कर आने लगेंगे। आपने देखा होगा पोडियम को कई बार, ये तो पोडियम आपका फिर भी वैसा है, कई पोडियम आपने देखे होंगे यहाँ से भी बंद रहते हैं, यहाँ से भी बंद रहते हैं। देखें आपने क्यों इतनी लकड़ी लगा देते हैं वो बंद करने के लिए? क्योंकि जो आदमी खड़ा है ना उसकी हिलती हुई टांगे ना दिखें आपको, है ना, ऐसा कम कभी छूटती रहती है उसको, और वो ऐसा बड़ा सा लकड़ी का ही लगा देते हैं। आपने देखा होगा लोग उसको पकड़ लेते हैं जोर से। भाई सुन लो एक मिनट, है ना, कई बार देखा होगा आपने इसको, लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ते क्यों, यूं ऐसे खड़े हो जाते हैं टिक के। आप सोच रहे हैं एक्शन में खड़ा आदमी, एक्शन में नहीं खड़ा वो, पकड़ा इसलिए गिर नहीं पड़े कहीं वो उसे चक्कर आ रहे हैं इतनी सारी पब्लिक को देख के। तो आप सोचिए कि धीरे 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 आपकी आदत हो जाएगी बोलने की। पहले डर लगेगा, लगने दीजिए ना आप, लगने दीजिए डर, लेकिन सांस पर ध्यान रखिए, सांस बिल्कुल नॉर्मल लीजिए। मेरे को लगता है यहाँ पे अगली बार मुझे चाय बनाने की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, है ना, हैं हाँ बता के जाता हूँ, है ना। मेरा आपको बताऊँ आपको कि एमपी टूरिज्म के लिए हमने पूरे होटल्स में ट्रेनिंग करी, और वो जो ट्रेनिंग जब हमने करने गए वेटर्स की और सारे मैनेजर्स की, तो वहाँ एक समस्या ये आ गई कि वो मेट्रो वेटर और मैनेजर बहुत बिजी, पूरे टाइम बिजी, हमारी ट्रेनिंग के लिए आ ही नहीं पाए, सिर्फ दो लोग बैठे ट्रेनिंग पे, तो वो ट्रेनिंग स्थगित कर दी। मीटिंग हुई सारे वेटर्स की, और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, वेटर्स ने बोला कि सर अपन इसका स्टार्ट सेशन का टाइम रखते हैं 11 बजे से, रात को 11 बजे से, और रात को 4:30 बजे तक रखते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने रिकॉर्ड करा उसको, वो पूरी ट्रेनिंग हमारी अभी भी रिकॉर्डेड है, वो रात को 11 बजे शुरू होती थी और 4:30 बजे ख़त्म होती थी, क्योंकि एक वही टाइम है जो वेटर को थोड़ा टाइम मिलता था। लेकिन वेटर ने इतना बढ़िया ट्रेनिंग लिया सारे वेटर्स में, और सारे होटल तानसेन में करी थी हमने पहली ट्रेनिंग, ग्वालियर में, ग्वालियर में एक होटल तानसेन है एमपी टूरिज्म का, उनके सारे स्टाफ के लिए करी थी हमने। तो ये चाय जो है देख के मुझे लग रहा है कि जिसने बनाई है उसका चाय या कॉफ़ी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं, ये सब ना चाय है ना कॉफी, हाँ ना चाय है ना कॉफी है, उबालना तो भूल ही जाता है वो। चलिए चाय में बना के सिखा के जाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है, है ना। चाय बनाना भी एक कला नहीं है, एक्चुअली सब चीज़ है। जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं यदि उसमें आपका इंटरेस्ट है काम बहुत बढ़िया होगा, आप जो काम कर रहे हैं यदि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो काम दो कौड़ी का हो जाएगा। ये डिपेंड करता है काम के करने वाले पे, जो अच्छा काम करेगा वो जो उसका इंटरेस्ट होगा। तो सर वो चाय बनाने वाला है तो वो भी अपना टाइम पास कर रहा है। हाँ उसकी सैलरी थोड़ी मिल रही थी, नहीं लेकिन सारा काम उसकी, उसके लायक सैलरी तो सर मिल ही रही है। हाँ लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं इतनी स्किल है उसकी सैलरी मिलती है, यहाँ तो मिलती ही है। नहीं नहीं मैं आपको क्या बताऊँ, समझिए, हाँ कभी कभी अच्छी कभी कम, तो 6 दिन हाँ नहीं नहीं अच्छी भी, लेकिन जब अच्छी बन सकती है मतलब अच्छी बनाना, या अच्छी बन सकती है मतलब अच्छी बनाना तो आता है ना। तो वो हाँ हालांकि मैं अदरक भी डालता, और आपको मजेदार बात बताऊं कि कई हर शहर में कम से कम 20-25 जगह ऐसी होती है जहाँ की चाय बहुत मशहूर होती है, और उन चाय वालों से पूछो कि कौन सी पत्ती यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं हमें भी नहीं मालूम, वो तो एक आदमी आता है शायद पत्ती देने साइकिल पे सप्लाई करता है, वो हम लोगों को सभी को वही देता है, मतलब सबकी पत्ती बिल्कुल एक ही जैसी होती है, दूध भी सबका एक ही जैसा होता है। लेकिन बनाने का कला है वो मैं आपको सिखा के जाऊँगा, आप सीखिएगा घर में बच्चों के साथ अजमाइएगा, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे वीडियो भी देखा एमबीए चाय वाला, हाँ एमबीए चाय वाला, हाँ वो शानदार फ्रेंचाइजी दे रहा है। हैं नहीं नहीं दूध वाली सिखाना। तो हाँ तो गाना वीडियो टाइम क्या हो गया,
4:20, 4:30, 4:35 पे इसको ख़त्म करेंगे। बस अपन अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं। मैंने जो बताया आपको कॉन्फिडेंस के बारे में, वो बहुत लंबा वैसे चैप्टर है, बहुत बोला जा सकता है इस पर बहुत सारा, लेकिन अब अपने टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें उसमें समझाई आपको। और अब एक काम करिएगा, जब भी किसी शादी में जाएं डांस ज़रूर करिए, कैसा भी करें आप डांस, और उसका छोटा सा वीडियो अपने दोस्त को बनवाइएगा और मेरे को भेजिएगा। और यदि आपने नहीं भेजा तो मैं आपसे फ़ोन कर करके पूछता रहूँगा कि शादी में अभी तक नहीं गए क्या है ना। तो अपना अपना वीडियो ज़रूर बनाइएगा, है ना, वीडियो बनाइएगा और मेरे को ज़रूर भेजिएगा। काय का शादी का कैसा भी डांस करिए, अजीब सा। पहले मैं भी शादियों में नहीं नाचता था, बिल्कुल नहीं नाचता था, मैं नाचता ही नहीं था। लेकिन मैंने जब देखा लोगों को कि लोग ऊट पटांग नाच रहे हैं, इतना गंदा नाच रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे भी नाचना चाहिए। और फिर मैंने धीरे धीरे करके नाचना शुरू करा और करते 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 मैं अच्छा खासा नाचने लगा। फिर हमारी शादी हो गई, फिर शादी हो गई तो ये तो अच्छी नाचती थी, बहुत सारा नाचती थी, तो ये भी नाचे मैं भी नाचे, और हम हर शादी में जाने लगे नाचने लगे। तो बाद में पता चला कि मैंने इस दिन उनसे कहा कि सुनो, जब से अपन शादियों में नाचने लगे अपने कार्ड ज़्यादा आने लगे, अपने को वो लोग भी बुलाने लगे जो अपन को नहीं जानते, हमारी पीआर बढ़ गई। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, पीआर बढ़ रही तो, और लोग हमसे बोलने लगे कि तुम लोग शादी में जरूर, बारात में तुम लोगों को जरूर आना, समझ गए, पहले से आ जाना, तुम लोग तो धोखा मत करना। तो हमसे लोग, हमको लोग पहले से बुलाते, हम लोग पहले से पहुंच जाते, खूब नाचते। अच्छा हमको देख के और लोग भी नाचते। बाद में वो दूसरे दिन शादी हो जाती तो बोलते थे शादी में तुम ही नाच रहे थे ना आप दोनों कपल। मैंने कहा बहुत अच्छा नाच रहे थे यार, बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया यार, है ना, एक बिजनेस और खोल सकते हैं अपन यार, है ना, कम से कम एक बिजनेस तो खोल ही सकते हैं हम। मतलब आजकल शादियाँ भी अरे बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहे हैं, शादियों को अरेंज करना और उसमें अच्छे अच्छे करना, तो वो हम हमारे में वो क्रिएटिविटी है। तो हमने सोचा, मैंने उनको हल्की कई बार कहा कि अपन बिजनेस खोल लेते हैं शादी वाला, तो ये कह लें अरे यार तुम ट्रेनिंग भी कर रहे हो, तुम जूस का भी कर रहे हो, तुम वृद्धाश्रम चला रहे हो, अभी 750 वृद्धाश्रम वाला कर रहे हो, शादी में भी ना कितने काम करेंगे अपन। तो ठीक है, कभी कभी लगता है कि 24 घंटे काम हो गए। 3:30 बजे हम लोग उठते हैं रोज़, यहाँ पे भी 3:30 बजे, 3:30। और आप लोग देखिए दिन में कभी नहीं सोए हम, रात को 11 बजे तो हम कल उनके घर से आए जिनके घर गए थे हम, तो वो हमसे कहने लगे कि अरे आपको नींद नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ भी शादी में जाएं जरूर नाचें, जहाँ भी जाएं गाने का मौका मिले जरूर गाएं। अपने घर में कैरियो का सिस्टम खरीद लें, कैरियो के जानते हैं आप, हिंदी में उसको कराओके बोलते हैं जनरली, कराओके जानते हैं, नहीं जानते, जानते आप, जानते आप, जानते नहीं आप भी नहीं जानते आप जानते आप जानते सर आप जानते हैं कैरियो के कराओ के सिस्टम, कराओ के आप जानते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक सिस्टम होता है उससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, फ्री में, कोई खर्चा नहीं। एक सिस्टम तो आप खरीद, सिस्टम आप नहीं भी खरीदेंगे तो भी आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, उसके उसका भी जुगाड़ होता है। लेकिन आप लोग जितनी सैलरी मिल रही है उसमें 7-8 हज़ार या 10 हज़ार का सिस्टम कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिस्टम आता है कैरियो का सिस्टम, उसमें क्या होता है कि ब्लूटूथ होता है और साउंड सिस्टम होता है, जैसे साउंड सिस्टम होता है सोनी ओनी का, जैसे बाकी होते हैं। लेकिन सोनी के साउंड सिस्टम में सिंपल आवाज़ आती है प्लेन, कैरियो के सिस्टम में क्या होता है कि उसमें दो माइक आते हैं साथ में, एक फीमेल माइक और एक मेल माइक, उस पर लिखा रहता है मेल और फीमेल के लिए, और उसको आप चालू करेंगे तो उसमें एक इक्वलाइजर सिस्टम फिट होता है, इक्वलाइजर फिट होता है इनबिल्ट। उसमें क्या होता है ईको भी होता है, तो जैसे अपन ने नॉर्मल सिस्टम में अपन गाएं तो बहुत बुरी आवाज़ आती है अपनी, उसमें गाएंगे तो बहुत बढ़िया आवाज़ आती है। उसको अपन ऐसे यूट्यूब से जोड़ेंगे, और उसको गाएंगे तो उसमें पूरा का पूरा म्यूज़िक चलता है, और वो आपको म्यूज़िक जो है वो बहुत बढ़िया, देखिए आपको दिखाता हूँ, पूरा म्यूज़िक चलता है, देखिए YouTube खोला, YouTube सबके पास है, YouTube खोलेंगे। अब YouTube हमने खोला पहले, इसमें ये YouTube खोला, YouTube खोला, सबको आता है YouTube खोलना। इसमें लिखा एक गाना, ये गाना लिखा, अब गाना आ गया। गाना गाना लिखने के बाद लिखे कराओके, K A R O K E, जो भी गाना लिखना हो आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। जो भी गाना लिखना हो उस गाने के बाद आप लिखें KARO KE, हाँ इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं है, वो भी बिल्कुल लिखा है ना, हाँ लिखा। अब ये गाना आ गया, इसमें लिखा आ रहा है कराओके, और इसे नीले
सुनिए, ऐसे नीले नीले वर्ड आ रहे हैं, के ए आर ओ के ई, छलकाए जान आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। ताली तो बजा दीजिए एक बार। ये मेरे को इतना अच्छा गाना आता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा सॉन्ग, आपको मजा आएगा। देखिए, टीवी खुला, आप YouTube खोलेंगे, उसमें लिखेंगे शैलेंद्र, बस बस दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट, बस एक मिनट, बस। हाँ, कल दिखाया था ना मैंने, दिखाया। ये सिस्टम है, ये जो गाना बज रहा है आप देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे, ये कराओके बज रहा है, पीछे से इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसमें, एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं, कैरियोके से बज रहा है ये, और ये गाना ये गा रही है ना। तो इस तरह से आप गाना गा सकते हैं, बहुत सारे गाने हैं जो आप गा सकते हैं। और कोई गाना हो तो बताओ। तो इस तरह से आप घर बैठे अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। अभी शायद फीडबैक फॉर्म आपके पास आ गया है, उसको आप भर लीजिए और फिर आज इसका क्लोजिंग करेंगे। ये कहाँ से आया? अच्छा वो मैंने सोचा हमारा वाला ही, हमें तुमसे प्यार करना। आप लोगों का अगर कोई क्लब हो, फैमिली क्लब, उनके लिए तो गाते हैं। हाँ, तो नहीं गाते।